थोड़े से अच्छे कपड़े पहन करके आए, थोड़ा साफ सुथरा कपड़ा पहन करके आए। फिर ठाकुर जी को क्या दिखे, ठाकुर जी के लिए क्या लाए थे, बोले जहर। जो जहर लाई थी ठाकुर जी, अगर बोलो प्रताप दे दे, अगर ठाकुर के दरबार में कोई आए थोड़ी सी भक्ति भावना ले लेकर, नहीं तो कोई एक भाग जगन्नाथ के लिए लाए, नहीं तो कोई एक फूल ले करके आए, नहीं तो उनकी सबसे प्यारी चीज है मक्खन और घी, अगर इसको लेकर के आए तो ठाकुर को क्या है, उसको ठाकुर जी क्या देंगे। तीसरा नंबर है ये राक्षसी, अगर कोई राक्षसी अगर जगन्नाथ जी के पास में आते हैं, अगर ठाकुर जी दुनिया ऊंचे पर दे सकते हैं, अगर कोई ठाकुर के पास में कोई इंसान आए, नहीं अगर ठाकुर जी का कोई भक्त ठाकुर के पास में आए, फिर ठाकुर जी उसको क्या नहीं देंगे। इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते भैया पूजा करना तो श्री जगन्नाथ को ही पूजा करो, ये कभी भी तुम्हारी दुर्गुण का प्रति नजर नहीं देंगे, हमारे नगर में अच्छे जो गुण है उसको प्रति नजर देंगे। बोले क्यों, बोले तुम्हें माता जब पिता तुम्हें, क्योंकि जो जगन्नाथ है हमारे पिता की माता नहीं। अगर कोई बच्चा माँ की गोद में पेशाब काटी करते भैया क्या करते हैं, साफ सुथरा करके ना बच्चों को फेंक देते हैं, क्या करते हो साफ सुथरा करते हो। इसलिए जो कृष्णा है कि हमारे पिता है कि माँ है, अगर बच्चे कोई गलती करेंगे तो ठाकुर की गलती नहीं लेगा। लेकिन अगर किसी दूसरे देवता देवी को तुम पूजा कर रहे हो, थोड़ी सी तुम्हारी पूजा में इधर उधर हो जाए, दे का लेना पड़ जाएगा तुम्हारे, तो देवा देवी को नहीं छोड़ेंगे, झट उसकी उल्टा रिएक्शन होगा, एकदम उल्टा रिएक्शन होगा। लेकिन कृष्ण भक्ति में, राम की जगन्नाथ जी की भक्ति में कोई उल्टा रिएक्शन नहीं, कोई भी उल्टा रिएक्शन है नहीं, थोड़ी सी गलती वगैरह बता दी हमारे अपराध को माफ कर देते हैं। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय हो। इसलिए जब भगवान कृष्ण पुतना को वर किए, इतने में क्या हुआ, श्री नंद बाबा गए हुए थे मथुरा कंस को कर देने के लिए, कर देने के लिए गए हुए थे। इतने में क्या हुआ, जब नंद बाबा वापस आए ना, देखा कि पुतना हो गई, पहले तो बड़ी सुंदर खनगन करके आ रही थी, लेकिन निकली राक्षसी। नंद बाबा ने बोले देखो अंदर में कोई गहरे गहरे व्यक्ति को घुसने मत दिया करना, अगर कोई आए ना जब तक मुझे और मैया जसोदा की आदेश नहीं हो अंदर में उसको घुसने नहीं देना। इतने में श्री भोले बाबा शंकर जी ने देखा, मैंने भगवान की सारे लीला मैंने दर्शन किए, लेकिन मैंने भगवान के बाल गोपाल को भी दर्शन नहीं किया। शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करके आए, इसलिए शंकर जी को क्या बताए, सत्यम शिवम सुंदर। लेकिन ऊपर में तो शंकर जी को सुंदर कहते हैं, लेकिन शंकर जी की जो ऊपर का फेस है ना बड़ा भयंकर है, कोई कपड़ा पूरा नहीं पहनते, पैर के चमड़े चरणों को धारण करते, कोई हीरे जवाहरात नहीं पहनते, क्या पहनते, सारा शरीर में सांप ही सांप, गले में सांप, हाथों में सांप, कमर में सांप, सांप ही सांप है। बोले शंकर जी ये सर्प क्यों पहनते हैं, बोले ये सर्प नहीं ये अनंत देव है। बोले ये अनंत देव कौन है, बोले ये शंकर जी के गुरु है। इसलिए वो शिक्षा देते हैं, अगर जीवन में भूषण किसी चीज को धारण करना है, गुरु जी के उपदेश को भूषण रूप में धारण करो, तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगी। है शंकर जी को कौन सा फूल चढ़ता है, धतुरे और आकर, जो पेड़ कोई नहीं लगाते वो अपने आप जो जंगल में हो, लेकिन उनको कोई बेली चमेली जूली केतकी मालती ये फूल शंकर जी क्यों स्वीकार नहीं करते हैं। बोले कारण है, शंकर जी कहते मेरे प्रभु तो जगन्नाथ, जितने बढ़िया बढ़िया फूल जगन्नाथ की सेवा में लगेगा, अगर मैं धारण करूंगा तो ठाकुर की सेवा में कमी हो जाएगी। इसलिए शंकर जी कोई क्रीम नहीं लगाते, शंकर जी शरीर में क्या लगा कर रखे हैं, बहु की कहा की संसार की, कोई अच्छा बहु की शंकर जी नहीं लगाते, वो संसार की अपवित्र बहु को शंकर जी लगाते हैं। बोले क्यों लगाते हैं,
कारण क्या? बोले कारण है दुनिया को शंकर जी शिक्षा देते हैं, भैया जिस शरीर को तुम रोज जबरदस्त खाते हो हैं, रोज बढ़िया बढ़िया चीज मालपुआ राबड़ी और रसमलाई शाही पनीर मटर पनीर जो बढ़िया बढ़िया चीज खाते हो शरीर के लिए, एक दिन ये शरीर की परिणाम क्या है? एक दिन एक मुठी राह इसलिए गले में हड्डी है, कभी शरीर की परिणाम हड्डी है। इसलिए शंकर जी कहते हैं भैया शरीर को इतना सजा कर क्या होगा, सजाना तो भगवान को स्वीकार करो, ठाकुर को सजाओ। किसको सजाओ? ठाकुर जी को सजाओ, और ठाकुर को सजाने पर तुम अपने आप सज जाओगे। इसलिए शंकर जी और एक कहते हैं अगर मैं चंदन को अगर मैं स्वीकार करूंगा तो मेरे भक्त क्या करेंगे, सारे चंदन ला करके ना मेरे सर पर डाल, लेकिन मेरे प्रभु जगन्नाथ जी राम कृष्ण सेवा में कमी हो जाएंगे। इसलिए शंकर जी कोशिश किया अपने आप को छुपाने के, शंकर जी छुपाने के लिए कोशिश किया है ये सब वस्तुओं को धारण करते हुए, लेकिन इस शंकर जी छुपा नहीं पाते। बोले क्यों नहीं छुपा पाए? बोले शंकर जी को पास में ध्यान देकर सुना आपसे प्रश्न कर रहा हूं, शंकर जी को पास में ऐसे एक दिव्य वस्तु है जिस वजह से शंकर जी अपने आप को छुपा नहीं पाए। बता सकते हो शंकर जी को पास में ऐसे कौन सा वस्तु था जो कि शंकर जी छुपा नहीं पाए? सबसे पवित्र वस्तु कौन? बोले बोलो, चुप हो गए। अरे बोलो, अरे बोलो, हाँ माता जी के ताली बजा। इसलिए शंकर जी की गंगा में गंगा ये पति के पावन से गंगा है, ब्रष्ट गंगा देवी की, क्योंकि जो गंगा है ये भगवान के चरणा मृत है। इसलिए शंकर जी अपना गंगा में श्री गंगा जी को धारण किया है। इसलिए शंकर जी अपने आप को छुपा नहीं, शंकर जी जाकर के पता नहीं कहाँ बर्फ ऊपर बैठे हुए कैलाश में, लेकिन वहां भी लोग पहुंच जाते हैं, शंकर जी को छोड़ते हैं, शंकर जी को नहीं छोड़ते हैं। इतने में शंकर जी इन्होंने बड़े सुंदर श्रृंगार कर लिए नंद भवन में आए। जब नंद भवन में आए अलग निरंजन अलग निरंजन करते हुए वहां पर कोई एक दासी थी, बोले बाबा क्या चाहिए? बोले मैं बड़े दूर से आया हूँ, मैंने सुना है नंद के एक लाला भय लाला को दर्शन करा। तो बोले बाबा लाला के दर्शन नहीं हुए, वो कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, वो तो इतने सुंदरी बन करके आई थी लग रहा था मानो भगवान जन्म ग्रहण करने पर वैकुंठ से माँ लक्ष्मी स्वयं उतर करके आई है, लेकिन वो निकली राक्षसी और तू तो देखने में देख रहे हो, तेरे को देख करके मेरा जी घबरा रहा है, तू गर्भ सर्प की माला बिच्छू लटक रहा है, सांप बिच्छू जटाजू त्रिशूल डंपर पकड़ करके है। इतने में जा करके भैया यशोदा से बोले, बोले भैया भैया कहाँ से एक बाबा आया है? वो कहता है लाला को दर्शन करा दो, भैया तुझे आपको देख जिसको देख कर नहीं डर गए। इतने में भैया ये बाबा कहाँ बात है? बोले मैंने सुना तेरे के लाला भय है। बोले मेरे लाला भय तो क्या था? बोले लाला को दर्शन करा दे बढ़िया आशीर्वाद तुमको। बोले बाबा लाला का दर्शन नहीं होएगा, वापस चल जा, सोना चांदी जो लग गया लो अपना रास्ता देखो। कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, शंकर जी बोले अगर मुझे दर्शन नहीं दोगे ना यहीं पर मैं त्रिशूल डाल कर बैठ गया हूँ, जब तक दर्शन नहीं दोगे हटने वाला नहीं। भैया बोले तेरे को पता है घर में एक दरवाजा नहीं चार दरवाजा नहीं, अगर यहाँ बैठे रहोगे ना लाला को दूसरे दरवाजे से निकाल लूंगी। बोले मेरा भी चार रूप है। बोले मेरे 11 दरवाजा? बोले मेरे भी 11 रूप है, एकादश रूद्र कहते हैं ना, सारे दरवाजे में बैठ जाऊंगो, जिधर से निकालो जरूर मैं दर्शन करने जाऊंगा। शंकर तो वहीं पर बैठ गए, मैया कृष्ण को लेकर घर की कोने में छुपा दी, शंकर जी वहीं पर बैठ करके ध्यान करने लगे। ठाकुर जी तेरे ने सारे रूप को देखा है, लेकिन ये बाल गोपाल स्वरूप को मैंने दर्शन नहीं किया,
मेरे को दर्शन दे दे। इतने में शंकर जी जोर जोर से चंबर बजाना शुरू किया। शंकर जी कौन है? बल्कि ये वैष्णव नाम कथा संभो भगवान के सबसे प्यारे भक्त श्री भोले बाबा है। इनके बगैर कोई मिला ही नहीं। इसलिए जब ये राम रूप में आते हैं, कहते रुद्र देखत जी मेहा बस बानर भय हनुमान। शंकर जी ने देखा ये रुद्र शरीर से मैं ठाकुर को सेवा नहीं कर सकता हूँ। शंकर जी सो हनुमान बन कर गया। क्या बन कर गया? और भगवान की कितने सेवा की। इसलिए कहते हैं ना, बोले दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, प्रसाद को जब
किसी भगवान की भक्त ग्रहण करते हैं तो प्रसाद नहीं, महा महाप्रसाद हो जाता है और उसकी प्रसाद की महिमा बन जाती है। इसलिए नियम है, जैसे कभी कभी ध्यान देकर सुना, कभी कभी हम लड्डू लेकर के हनुमान के मुंह में ठोसते हैं, हनुमान जी खा लेते, हनुमान जी भोगे बैठे थे लड्डू देते। जब राम दरबार लगता है हनुमान जी कहाँ बैठे हुए रहते हैं, जिनकी चरण। इसलिए जब तक प्रभु राम को कोई चीज भोग नहीं लगी, जब तक कृष्ण को कोई चीज भोग लगाया, कोई देवा देवी हनुमान कोई भी ग्रहण नहीं करते, कोई भी शंकर भी ग्रहण नहीं करते, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड भगवान के सेवक है। इसलिए सबसे पहले कोई चीज भोग लगाओ जगन्नाथ के भोग लगाओ। पहले मैं बताया ना जगन्नाथपुरी में क्या होता है, जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है, एक व्यक्ति एक तरह बड़ा मजरा लेकर आएगा, चारों तरफ में मंदिर के चारों तरफ में घूमेगा। बोले क्यों? बोले 33 करोड़ देवता वहां पर केवल जगन्नाथ की प्रसाद को पाने के लिए सारे देवादेवी वहां बैठे हुए। वहां पर माता देवी विमला देवी जगन्नाथ को पीछे बैठी हुई, क्यों? भगवान के प्रसाद को पाने के लिए उसने कैलाश को त्याग दिया है। इसलिए 33 करोड़ देवता जगन्नाथ की प्रसाद के लिए वहां तरसते, गणेश जी हनुमान जी शंकर जी इंद्र चंद्र। इसलिए कोई भी चीज हो कभी भी किसी देवा देवी को डायरेक्ट नहीं देगा, इसको देगा भगवान कृष्ण को दो, राम को दो, जगन्नाथ जी को दो। जब यदि भोग लग जाएगी ना, ये प्रसाद किसी दूसरे दूसरे देवा देवी को देनी चाहिए। इसलिए अभी भी आप नंदगांव में जाओगे तो देखोगे सबसे पहले भगवान को भोग लगता है, फिर वो प्रसाद समस्त देवा देवी को, फिर शंकर जी को पार्वती को भोग लगती है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राम। अरे ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हुए, कितने बड़े हुए ठाकुर जी? 3 महीना के हो गए। देखना बच्चा जब 3 महीना का होता है ना, वो करवट लेता, इतने में कृष्ण ने करवट ली, मैया तो बड़ी खुश हो गई, लाला के शरीर में ताकत आ गई, उन्होंने सब प्रति गोपियों को नौता दे दी। आज लाला ने करवट ली और घर में करवट लेने की आज उत्सव हो गया है, और उन्हें अपना आंगन को साफ सुथरा करके जितने दूध दही को उन्होंने बैलगाड़ी को रख दी और कृष्ण को नहा करके वो बैलगाड़ी को नीचे रख दी। बोले क्यों? अभी गोपियाँ अगर गीत गाने की, अगर कच्चा गीत भूल जाएगा तो बेटा रोएगा, तो अभी बच्चों को संभालना, ब्रज गोपियों को संभालना। हरे कृष्णा भैया, अरे भैया इसको बोलते रहे दो। इसलिए भैया ने क्या कि कृष्ण को वहां पर लेटा दी, और वहां लेटा करके जितने गोपियां थी सबके सब आकर बैठ गई। अब बैठ करके बड़ी सुंदर भजन गा रहे थे, बोले जियो श्याम लाल जियो श्याम लाल मेरी जियो श्याम लाल जियो श्याम लाल I'm
दुनिया को भुलाते हैं
पता नहीं कितना बोतल छुड़वाते हैं, कितना मुर्गा मुर्गी बकरी खिला देते हैं, हैं? पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा काम करते हैं, लेकिन आप भगवान के लिए कुछ नहीं करते। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, जिसका सब कुछ है, लेकिन आप वो चुपचाप बैठा हुआ, उसके लिए कोई खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं, उसके लिए कोई कपड़ा नहीं है, अपना लिए रोज दो दो बार साड़ी बदलाते हैं, सूट सलवार, लेकिन कृष्ण 3 दिन 15 दिन से एक कपड़ा पहने हुए। जिसने सब कुछ दिया उसके लिए कोई सेवा की व्यवस्था नहीं, और जिसने कुछ नहीं दिया ना उसको पीछे दिन रात हम करते हैं, उसको दिन रात उसको पीछे रुकते हैं। ठाकुर जी बोले अगर ऐसे करोगे ना, ऐसे मैं चरण की ठोकर मारूंगा, फिर सबके सब मैं कसरत कर दूंगा। इसलिए भगवान ने किया कि एकदम चरण की ठोकर मार करके सारे दूध दही को उन्होंने बिखरा दिया। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, घर में कुछ भी काम हो, घर में रसोई बनती है दुनियादारी के लिए, लेकिन सबसे पहले सोचो ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं, भगवान के भोग के लिए कुछ है कि नहीं। अपना बेटा का बर्थडे होता है, पता नहीं कितने लोग इतने कपड़ा देने जाते, कितने भले कितना ड्रेस क्यों नहीं हो, हैं? अपना कोई शादी की साल करवा जाए, पति को बोलेंगे मेरे लिए बढ़िया साड़ी चाहिए, अगर पति बहाना बनाएगा ना मेरे पास समय नहीं, पैसा मुझे दे दो, कोई बर्थडे है, लेकिन क्या करो सबसे पहले देखो ठाकुर जी के लिए कुछ है। पहले मैंने बताया था ना, जैसे अपना शरीर को बढ़िया से श्रृंगार करो, श्रृंगार करके शीशा को सामने खड़े हो जाओ, क्या देखोगे, ये शरीर को जैसे सजाते हो परछाई भी वैसे सज जाती है। परछाई को सजाने का कोई जरूरत नहीं, इसका मतलब क्या है, अगर हम भगवान को जिसकी घर में जितने सुंदर ठाकुर को सेवा करो, जितने सुंदर तुम ठाकुर को सेवा करोगे, जितना तुम्हारी घर भी वैसे सज जाएगी, घर भी बढ़िया सज जाएगी। लेकिन अगर ठाकुर को सेवा पूजा ठीक नहीं कर रहे ना, भले ही तुम्हारी घर में करोड़ों खरब रुपया आ जाए, देखना घर में लक्ष्मी कभी घर में शांति नहीं देगी, घर में कभी लक्ष्मी शांति सुख नहीं देगी। इसलिए सबसे पहले क्या करो, ठाकुर को सेवा के लिए कोशिश करो, है ठाकुर खुश तो तुम भी खुश रहो। प्लस वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद की जय। अभी कृष्ण धीरे धीरे अभी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, जब कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अभी तक भगवान की कोई नाम संस्कार नहीं कराया गया, इसलिए मैया सोचती है बेटा का कोई नाम संस्करण हो जाए, फिर पंडित जी से नाम रखेंगे, फिर बच्चों का हम उसी नाम पर हम बुलाया करेंगे। देखो माता भैया सुना, ऐसे नहीं हमारे मन में जैसे आए बच्चा का नाम पूर्णो पूर्णो पीती बिगड़ गई, नहीं, नाम के ऊपर बड़े प्रभाव है। आप लोग को पता होगा शादी से पहले जन्मपति मिला है कि नहीं, बेटा का बेटी क्या नाम है, तो नाम से मिलाते हैं ना, क्यों क्यों मिलाते हैं, कहते हैं जिस नक्षत्र से जिस समय पर वो बच्चा जन्म लेता है पंडित एक अक्षर निकालते, वो अक्षर को रख करके फिर कोई नामकरण होता। इसलिए तभी शादी का समय पर जब जन्मपत्र मिला तो तुम्हें मिलेगा, अगर टूर्ण मूल्य टिक्की भी रखोगे ना मन मन में, नहीं पर जन्मपत्र मिलेगी नहीं। अभी इतना डाइवोर्स क्यों होता है, कारण क्या है, कारण क्या डाइवोर्स होने का, हमने जो वैदिक संस्कृति को सबके सब फेंक दिया, अपना मनमानी सबके सब चल रहे। आप लोग सुने पहले सुने होंगे, कब डाइवोर्स सुने हो हमारे भारत में, बड़े बड़े पूछ लो, अभी 30-40% अभी डाइवोर्स हो रहे हैं, कोर्ट में भीड़ लगी, कोर्ट में काम करते हैं ये प्रभु जी, कोर्ट में काम करते हैं बहुत पहले, और वहाँ पर भीड़ लगी रहती है, हैं? आई लव यू आई लीव यू फिर आई कीप यू, कोर्ट में जाकर तो नॉर्मली होते हैं। इसलिए ये जो संस्कार नाम करना संस्कार है, पंडित को बुला करके जन्म नक्षत्र को देख करके अक्षर निकालो, और बच्चे का नाम कैसे रखनी चाहिए, ऐसे नाम रखो कोई भगवान की नाम हो, नहीं तो कोई भक्त का नाम, भगवान नहीं तो कोई भक्त का नाम, क्योंकि बारंबार जब मुंह से भगवान के नाम निकलेगा हमारा मुंह भी पवित्र होगी, जो सुनेगा वो भी पवित्र होगा, और जहाँ पर ठाकुर का नाम गुंजेगा वो स्थान भी कल्याण होगा। इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर,
उसने अपना छोटा बेटा का नाम नारायण रख दिया था। छोटा बेटा सबसे प्यारा होता है, बड़ा पाप कर्म किया था उसने, अपना पत्नी को त्याग दी, भैंसिया को साथ में रहा, 10-10 बच्चे लिए, पालना करने के लिए डाकू घोटा के सारे पाप कर्म किया था। लेकिन अंतिम समय में उसने अपना बेटा को नारायण नाम से पुकारा। इतने में जमदूत विष्णुदूत एक तरफ से जमदूत का आयु लेने के लिए, जब नारायण नाम लिया झट विष्णुदूत आ गए। विष्णुदूत आ गए, बोले माँ भयो कोई चिंता की बात नहीं, हम रक्षा करेंगे। बड़े अंदर में लड़ाई हुई, जमदूत कहते हम ले जाएंगे, विष्णुदूत कहते हम रक्षा करेंगे। इतने में जब विष्णुदूत प्रश्न करते हैं, बोले तुम लोग कौन हो? बोले हम धर्म राजा का दूत है। बोले धर्म का नाम पर अधर्म कैसे कर रहे हो? बोले अधर्म क्या है आपको बताइए, व्यक्ति कौन है, इतने पाप कर्म किया इसलिए सीधा करके जाएगा। विष्णुदूत कहते तुम्हें पता है अंतिम समय में उसने ठाकुर का नाम लिया है। बोले वाह, जिंदगी भर पाप करो, मरने से पहले एक बार राम का नाम हो गया। देखो विष्णुदूत क्या कहते हैं, बोले गुरु तुम्हें क्या पता है ठाकुर का नाम में कितना शक्ति है, इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम है। कहते जब उसने बेटा का नाम नारायण रखा था तब इसकी उद्धार हो गया था, पाप नष्ट हो गया था। जो बच्चे को बारंबार नारायण नारायण बुलाया, जैसे हम माला जप करते हैं ना, ये हो गया माला जप। और जो अंतिम समय से जो ठाकुर का नाम लिया, कहते जन्म जन्म मुनि जतक करारी अंत राम कही आप बतानी। जो अंतिम समय में प्रभु का नाम को लेते हैं फिर संसार में जन्म नहीं लेते हैं। कितने में फिर जमदूत कह रहे हैं, ध्यान देकर सुनो, जमदूत फिर कह रहे हैं, बोले भगवान को कौन बुलाए, वो तो अपना बेटे को बुलाया, किसको बुलाया था, अरे बोलो जोर से, वो भगवान को नहीं अपना बेटे को बुलाया, कहा भगवान को बुलाया। तब जब विष्णु कहते हैं भगवान का नाम चार तरह से कल्याण करता है, बोले सांकेत्यम पारिहासम वा स्तोभम हेलन वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगणम। पहला एग्जाम्पल देते हैं सांकेत्यम, सांकेत्यम मतलब जैसे बेटे का नाम कृष्ण राम नारायण रख लिया, बार बार तुम बेटे को बुलाते हो उनकी संकट, इससे कल्याण हो जाती है। इसलिए आप देखना पहले पहले जितने माता भाइयों का नाम पूछो, पूछो इनका नाम को कृष्णा गोविंदा दामोदर सभी नाम, माता को पूछो गीता सीता सावित्री रमा लक्ष्मी सब ऐसे नाम। लेकिन अभी बच्चों का नाम पूछो, पिंकी टुल्लू गुल्लू, विदेश में जितने कुत्ते हैं ना सब कुत्तों का नाम धरवाते हैं बच्चों का। बोले भगवान का नाम धरवाएंगे तो उदार नहीं हो जाएगा, नरक कौन जाएगा फिर, नरक किस लिए बनाया है, इसलिए बच्चों का नाम भगवान पर नाम नहीं धराएंगे, मडल नाम धराएंगे, विदेश का नाम धराएंगे। लेकिन कभी वृंदावन में जाओ, इस्कॉन मंदिर में कभी जाना, वहां पर मंदिर में देखना विदेश से छोटे छोटे बच्चों को नाम पूछना क्या नाम है, तब कृष्ण गोविंद दामोदर राधा माधव राधा कांत। लड़कियों का नाम देखना गीता सीता सावित्री है सरस्वती ललिता विशाखा, बच्चों का नाम देते हैं हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, वो गुड मॉर्निंग नहीं हरे कृष्ण बोलते हैं, वो राधे राधे बोलते हैं, हैं हम लोग उनकी संस्कृति को ले रहे हैं और वो लोग हमारी संस्कृति को वो लोग ग्रहण करते हैं। इसलिए बच्चों का नाम ठाकुर को नाम पर धारण ना उल्टा पुलटा काम नहीं बोलना, ठीक है ना, ठीक है हाँ। अगर जिनका कोई उल्टा पुलटा काम कर लिया ना, मैं नाम दिया भगवान का नाम पर। देखो जब हमारे पास में कोई आते हैं ना, जैसे ये माताएं बहुत सारी माताएं बैठी लड़कियां बैठी, जब हमसे हरिनाम लेते हैं पहले जो नाम दी गई वो अक्षर को पहले रख करके फिर हम उनको भगवान की कोई नाम दिला देते बच्चा तेज करो, इसलिए फिर हम उसको कोई नाम दिला देते हैं, ठीक है ना। इसलिए भगवान के नाम में बड़ी महिमा, ठाकुर जी के नाम में। इसलिए अभी नंद नंद बाबा सोच रहे हैं लाला का कोई एक नाम करना हो जाए, लेकिन नंद बाबा तो सोच रहे लाला मेरो है, लेकिन वसुदेव महाराज क्या सोच रहे लाला मेरो है, वो भी सोच रहे लाला का कोई नाम करना हो जाए। एक दिन वसुदेव महाराज गंगाचार्य को बुलाए,
बल आपको तो सब पता, आप तो त्रिकाल दृष्टा है, कृष्ण मेरा ही लाला है, और मैंने राता रात वहाँ रह कर के आया, आप कृपा करके जाओ मेरे लाला का नाम करने का। गर्गाचार्य बड़े खुश हो गए, भगवान का नाम करने कराएंगे, भगवान के नन्हे नन्हे चरण हैं उनको गोद में लेके हैं, किसी छोटे बच्चे को गोद में लेकर बहुत अच्छा लगता है ना, और विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है अगर उसको कोई गोद में ले कितने आनंद नहीं होगा। गर्गाचार्य बड़े प्रसन्न होकर के आए, जब नंद बाबा का घर में आए, नंद बाबा कहते हैं बोले महाप्रभिचरणा मंदिरा गिरिणाम दीन चेतसा, पहले घर में ये साधु संत क्यों आते हैं? नंदगोपाल कह रहे हैं इसलिए साधु संत आते हैं घर में, क्या कुछ हमसे लेने के लिए? बोले लेने के लिए नहीं, हमें कुछ देने के लिए। पहले साधु संत क्या देते, हम तो उल्टा देते हैं। बोले नहीं, वो बहुत बड़ी चीज देने के लिए आते, किस चीज की? बोले जब हम मातृगर्भ में आए, ध्यान देकर सुना, जब भगवान कपिल देव अपना माँ को कह रहे हैं बोले माँ, जब मातृगर्भ में बच्चे का 7 महीना हो जाता है, 1000 जन्म बाद उसकी याद आता है, पूर्व पूर्व जन्म में हमने कैसे कैसे कुकर्म किया, गंदा गंदा काम किया, इसलिए गर्भ में आए। गर्भ में आना नर्क में आना बराबर है, क्योंकि मैया के पेट में क्या है, ताकि प्रसाद खून पी, सर नीचा टांग ऊंचा रहता है, पेट में इतने गर्मी है। आज अगर रसगुल्ला खाओ ना, शाही पनीर खाओ, कल क्या बनकर निकलता है? पिस्ता बनकर के निकल, इतने गर्मी पेट में, 40-45 डिग्री गर्म पेट। इसलिए छोटा बच्चा जब माता चटपटी चीज खाती है, नमक मिर्च, उसका शरीर पर लगता है, इतने कष्ट होता है, भगवान को पुकारता प्रभु ये नरक से मेरे को निकालो। भगवान कहते बताओ क्या करोगे? बोले मैं समझ गया संसार में कोई भी सीधा नहीं, एक बार जन्म दोगे तो तेरा भजन करूंगा, तेरे नाम करके संसार से पार होगा। इसलिए श्री गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को होटल न लगे अपार, मातृगर्भ से तो भजन के लिए भगवान के बोल करके आए थे, लेकिन यहाँ आकर के जो करने आए थे ना उसको तो रख दिया पीछे, और जो नहीं करने आए थे उसको पीछे लग गए, उसको पीछे हमने लग गए। फिर भगवान कहते हैं देख बेटा, अगर तुम भूल जाओगे ना, कभी मैंने साधु संत रूप में आऊंगा, फिर तुमको याद दिलाऊंगा। बेटा तू क्या बोल करके आया, भगवान से क्या वायदा करके आया था? वो जीव कहता है अगर एक बार आप याद करा दोगे ना प्रभु, फिर तो दिन रात तेरा नाम जप करूंगा, तेरा भजन ही करूंगा, हम यही बोल करके आए थे। इसलिए संत इसलिए आते हैं हमें याद दिलाने के लिए, मातृगर्भ में तुमने क्या कसम उठा ले। इसलिए यहाँ पर श्री वसुदेव महाराज कह रहे हैं, आज श्री नंद बाबा कह रहे हैं आज तो मेरे घर धन्य हो गया है, क्योंकि संत का चरण धूलि पड़ा, घर में संत है, घर में सत्संग होगी, घर में हरि कीर्तन होगा, बड़े प्रसन्न हो गए। इतने में नंद बाबा खुद बोल पड़े, बोले जब आप कृपा करके आए हो, अभी बेटा का हमें नाम करने, आप कृपा करके बेटा का नाम करने करा दो, वो तो आए थे इसीलिए। बोले लेगा दोनों बेटे, जब दोनों बेटे को लाए, इतने में सबसे पहले उन्होंने बलदेव प्रभु का नाम करने की, बोले अयम ही रोहिणी पुत्र बोले नंद बाबा कि जो रोहिणी का जो बेटा है यदि सबको आनंद प्रदान करेगा, इसलिए इसका नाम होगा राम, और बला विख्यात बलम विदु, बड़ा बलवान बनेगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। बोले श्री बलराम प्रभु की, बोले इसका एक नाम होगा संकर्षण। बोले क्यों? बोले ये सबसे पहले ये आए देवक की गर्भ में, और जोग माया आकर्षण करके तो रोहिणी गर्भ में स्थापित की, इसलिए इनका नाम होगा संकर्षण नाम होगा। और कभी अगर जदुवंश गोप वंश में लड़ाई होगी तो क्या होगा, ये बीच में लड़ाई करने नहीं देगा, ये सबको समभाव में देखेगा, इसलिए कि दो नाम हो गई। अभी कृष्ण का नाम करना होगा। इतने में बसु श्री गर्गाचार्य ने ध्यान लगाया, ध्यान लगाया तो उनको ध्यान ही नहीं टूटा। बोले क्यों? बोले अगर इसका एक दो नाम होना उसको कोई नाम दे दो, लेकिन ये विश्व ब्रह्मांड में जितने नाम उसकी नाम है,
कृष्ण गोविंद दामोदर ऋषिकेश इतना हरि अनंत हरि कथा अनंत। अब इसका नाम क्या दे, वो बड़े सोच में पड़ गए इसका नाम हम क्या दे। इतने वसुदेव महाराज नंद बाबा ने गंगाचार्य को बुलाया, बोले बाबा बताओ ना लाला का नाम क्या होगा। बोले आश्रय वर्णास्त्र गृहत अनुजुगम तनु शुक्ल तथा पीत इदानी कृष्ण नाम गतम। बोले नंद बाबा तेरे जो बेटा है ना ये हर युग युग में आता है, ये सत्य युग में ये शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, तृतीय युग में ये रक्त वर्ण धारण करके आया था, कलि युग में श्री नवद्वीप में श्री सच्चिदानंदन गौर हरि बन करके काम वर्ग जन्म लिया, श्री नवद्वीप धाम में जन्म लेकर के संपूर्ण विश्व को कृष्ण प्रेम रूपी पार में ये संपूर्ण विश्व को डुबाया। लेकिन वही अब ये द्वापर युग में कृष्ण दामगत कृष्ण रूप में आया है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण चंद्र। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले नंद बाबा तेरे जो बेटा है ना इसके इतने नाम हैं, ये वेद भी इसका कोई खा नहीं पाएगा। बहुनी संति नामानि, तेरे बेटा का बहुत सारे नाम बहुत सारे रूप गुण होगा है। जब उन्होंने बहुत कुछ बात बता रहे थे वहां पर मैया जसोदा भी बैठी हुई थी, अभी मैया जसोदा सोच रही हैं ये ज्योतिष का कोई काम की बात नहीं बताते, वो बिना काम की बात बताते जा रही है। हाँ कहते काम की बात किया है, क्योंकि जो कृष्ण जन्म हुए हैं बुढ़ापा में जन्म हुए, इसलिए हर माता ये सोचती है मेरे बेटा जल्दी जल्दी का बड़ा हो जाए और घर में बहू आ जाए। क्यों घर में जब तक बहू नहीं आती है ना माताओं को सारे काम काज किसको करना पड़ता, माताओं को। अगर घर में बहू आ जाए फिर बहुत सारे काम करना को संभाल लेती है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। लेकिन अभी तो बहू ऐसे हो गई जो लिखी पढ़ी होगी नौकरी खुद करती है, नौकरी खुद करती है और दो दो बेटा तीन तीन बेटा। हम कहीं गए थे तो विदेश में, वहां पर देखा है दो ही बेटे को डॉक्टर बनाया तो दोनों ही चले गए ऑस्ट्रेलिया, अभी दोनों बुढ़ा बुढ़ी घर में बैठे, दोनों बुढ़ा बुढ़ी बैठे हुए घर में, कोई काम करने के लिए नहीं, देखने के लिए नहीं, पिता माता को पूछने के लिए भी कोई नहीं है। लेकिन पहले हमारी संस्कृति था क्या होता था, घर में जब बहू आती थी सारे काम धंधा को बहू संभाल लेती थी, बेटा बाहर संभालता था, फिर पिता माता को थोड़ा विश्राम मिलता था। इसलिए मैया जसोदा सोच रही हैं ये बेटा कब जल्दी जल्दी बड़े हो जाए और घर में जल्दी शादी होकर बहू आ जाए। मैया तो बड़ी सीधी साधी भोली भाली, देखो एक श्लोक का दो अर्थ कैसे होता है, वो कह रहे हैं बहुनी संति नामानी, तेरे बेटा का बहुत नाम रूप गुण लीला होगा। सचमुच से कृष्ण का कितना नाम कितने रूप कितने लीला है ठाकुर जी की। लेकिन मैया तो बड़ी सीधी साधी, वो अपना मन मन में एक अर्थ लगा रही है, देखो इसका दूसरा अर्थ होता है। बोले बहुनी संति नामानी, वो सोच रही है ज्योतिषी ये कह रहे हैं तेरे बेटा की बहुत सारी बहुएं होंगी। भैया तो खुश हो, बोले भैया जितना बहू आएगी घर में उतना तो सेवा करेगी, सास की ससुर की इतना सेवा करेगी, कोई बात नहीं। बोले रूपाणी, कोई गोरी होगी कोई काली होगी कोई सावर का वर्ण होगी, सचमुच से जो काली थी वो काली रहेंगे और दूसरे दूसरे कृष्ण जब ब्रज में रहे, राधा रानी तो गोरी है ललिता विशा का कितने सखियां हैं, हरे कृष्ण जब द्वारका जाएंगे 16,100 पटरानियों को साथ में ठाकुर के साथ ही होगी। भैया बड़ी खुश हो गई, वाह ज्योतिष अभी काम की बात होता है घर में बहुत सारी बहू हो, देखो माँ जितने बहू है ध्यान दे कर सुनो, ये बहू है ध्यान दे कर सुनो, देखना जो घर की माताएं होती सास है जब घर में बहू आती है कितनी कोशिश करते घर में बहू आ जाए घर में बहू आ जाए, और घर में जब बहू आती है घर में जब प्रवेश करती है बहू क्या करती है, सामने रख देती है कलसी छोटी घड़ा रख देती है और उसी समय में बहू के चरण से वो घड़ा को ठोकर मारती, क्यों जब वो लुढ़कते लुढ़कते जाती है भावना है घर में माँ लक्ष्मी आई, घर में कौन आइए कौन आइए, घर में माँ लक्ष्मी आई है घर में लक्ष्मी आई। लेकिन दुर्भाग्य का विषय उल्टा हो जाता है,
क्या हो जाता है जब गोबर आ जाती है ना घर में, वो पूरा का पूरा सास ससुर को कब्जा करना चाहती है और कहती है सबसे अलग हो, इनसे अलग हो, क्यों एक साथ में रुके हो, कब तक रुकोगे, अलग हो जाओ। अरे बेटा जो पहले पैसा लाता था माता जी के हाथ में देता था, लेकिन अभी बड़ी माता जी नहीं छोटी माता जी के हाथ में पैसा जाता है। अभी पैसा माता जी के हाथ में नहीं छोटी माता जी के पैसे जाती है, हैं? और वो क्या कहती है, बोले भाइयों को देखना नहीं, तेरे भी तो बच्चा है, भाइयों को देखना क्यों देखते हो, इनसे अलग हो। नहीं भैया, घर में जो बहू की लक्ष्मी स्वरूपिणी, कौन है लक्ष्मी स्वरूपिणी है, इसलिए कभी भी घर से किसको अलग नहीं रखनी चाहिए। एक दिन हम भी सास बनेंगे, एक दिन घर में हमारी भी बहू आएगी, हम जैसे व्यवहार करेंगे सास ससुर का प्रति, हमारा बच्चे भी वही चीज देख रहे हैं। और ठीक कहते ना, किसके लिए इतना बड़ा पत्थर, तुम्हारे लिए इतना बड़ा पत्थर रहा हो, इतने बड़े पत्थर मारो इतना बड़ा पत्थर तुम्हारे लिए, ठीक है ना। इसलिए घर की स्त्री लक्ष्मी है, लक्ष्मी स्वरूपिणी, तो घर को लक्ष्मी रूप में सबको बराबर मान करके सभी के लिए। कभी कभी क्या होता है, अपना पति को आप लोग बुरा मत मानना, पति को कहते भैया क्यों मदद करते हो, भैया क्यों मदद करते हो, हैं? जरूरत नहीं करानी, बच्चे क्यों भैया इतना मदद करते हैं। हर जिसने भैया एक गर्भ से जन्म हुए हैं उसके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए फिर हम करेंगे। अपना भैया का कुछ हो तो कमर में कपड़ा बांध कर जाने के लिए तैयारी बैठे है कि नहीं। कोई भैया की कोई काम कोई घर में हो जाए झट वहां पर जाने के लिए तैयारी होती है भैया का। तो इसका जो एक पिता जिसे जो भाई आए हैं वो भैया क्या भैया नहीं है, अभी तो भैया है। इसलिए भैया स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, अगर घर के वो लोग ठीक से देखेंगे ना फिर घर में लक्ष्मी भी आएगी, घर में शांति सुख भी, घर में शांति सुख भी बनी रहेगी, ठीक है ना। इसलिए मैया यहाँ पर खुश हो रहे हैं, क्यों खुश हो रही है, कारण क्या, बोले घर में मेरी बहू है। देखना जब घर में बहू आ जाती है ना सास कितनी खुश होती है, आनंद तुम्हारे घूमती रहती है, मेरे घर में बहू आ गई। लेकिन वही बहू जब पिता माता उनसे अलग होने के लिए कोशिश करती है, हाँ बताओ उनको हृदय में कितना पीड़ा होता है, कितने पीड़ा होती होगी। इसलिए ऐसे नहीं करनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक समय क्या हुआ, कभी घर में शादी हुई, घर में बहू आई, कुछ दिन बाद में जो घर में लड़ाई हुई, इतने में बहू हैं, इतने में बहू कहती है देख अगर तू बेटे से अलग नहीं होगे ना तुम्हारे घर में नहीं रहोगे, मैं तुझे आदत दी है, जब अलग होगे तब मैं आऊंगी नहीं तो नहीं आऊंगी। एक दिन बेटा बहू की बात सुन करके बोले देख माता जी, जन्म से लेकर के अभी तक तुमने मेरे पीछे जो पैसा लगाया है बता दो मैं इसका पैसा दे दूंगा। लेकिन बहू कहती है जब तक तुम अलग नहीं होगे तब तक मैं घर में नहीं आऊंगी। मैया बोले देख हम तो बूढ़ी है, लिखा पढ़ा तो जानता नहीं, मेरे को एक महीना समय दे दे। बोले एक महीना नहीं दो महीना ले ले। एक दिन ठंडी का समय था और बेटा सो रहा था, इतने में मैया ने किया कि सब सो रहा था, एक लोटे में पानी लाई, ला कर ना एक करवट में डाल दी, जब डाल दी इतने में बच्चा ने करवट ले गई, करवट ले लिया, थोड़ी देर बाद में फिर थोड़ा पानी ला कर दूसरे तरफ में डाल दी, जब डाल दी उसमें दूसरे करवट लिए, जब तीसरा बाल डाली ना उसको तो नींद खुल गई, बोली कहाँ से पानी गिर रहा, देखा माता जी पानी डाल रही है, इतने में बड़ा क्रोध आया, तो क्या कर रहे हो, तेरे को पता नहीं ठंडा का समय पानी क्यों डाल रही हो। देखो माँ क्या कहती है, बोले बेटा तुमने बताया है ना जन्म से लेकर के अभी तक मेरे पीछे जितने तुमने पैसा खर्चा की सब दे दे, मैं तो जन्म से लेकर अभी तक नहीं एक रात का भी हिसाब लगा रही थी, एक रात का मैं हिसाब लगा रही थी, जब तुम पैसा टाटी कर लेता था मैं गिली में सोती थी, तेरे को सुखा में सोती थी, तेरे को सुखा में सोया करती थी, फिर टाटी पेशाब कर दिया तो फिर मैंने गिली में सोया, तेरे सुखा में सोया, एक रात नहीं कितना रात, हम लोग बच्चे पाले होंगे पता होगा कितना रात मैंने सोई नहीं, मुंह की आहार निकाल कर मैंने तेरे को खिलाई, इसलिए एक रात का मैं हिसाब ले रही थी। बच्चा का बुद्धि टिकड़ा में आ गई, उसका बुद्धि सही हो गई, फिर माता जी के चरण में गिर पड़ी, बोले भैया मेरे से अपराध हो गई माफ कर दो, हैं माफ कर दो, अभी मैं तेरी ही सेवा करूँ, ठीक है ना। इसलिए नियम है हमें अपना पिता माता की सेवा करनी चाहिए।
उनकी आशीर्वाद से ही हम घर में कलेजे फूलेंगे। इसलिए आज मैया जसोदा इतने खुश हो रही थी क्योंकि ज्योतिष ने बताया तेरे बेटे की बहुत सारी शादी होगी, हाँ बहुत सारी शादी होगी। इसलिए उन्होंने गर्गाचार्य जी को खूब दान दक्षिणा दी, उनके चरण में लेकर लेटा दी, बोले बाबा लाला को आशीर्वाद दो। जब गर्गाचार्य जी चले गए इतने में जितने बड़ी बड़ी माताएं थी आ गई, बोले गर्गाचार्य जी ने लाला का नाम क्या रखा है, बोले बड़ा बेटा का नाम रखा था बलराम और छोटा बेटा का नाम रखा कृष्णा। बोले नाम तो बहुत अच्छा है लेकिन जो कृष्ण नाम है ना, जब तक ये तीन बार जीवन टेढ़ी नहीं हो जाती है तब तक ये कृष्ण नाम नहीं निकलता। इसलिए जन्म पत्र में तो ये नाम रखा करो लेकिन घर में अपना बच्चों का नाम बुलाएंगे बलुआ और बनुआ, कनुआ और बलुआ, इसी नाम से हम पुकार करेंगे। बोले श्री कनुआ बलुआ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। अभी कृष्ण जब मैया यशोदा की स्तन पान करते हैं, गैया की जब स्तन पान करते हैं उसी समय में अभी ब्रज की जितने गोपियों के अंदर में भावना है कृष्ण कब हमारी घर में, कृष्ण कभी हमारे घर में आए, हमारे घर में भी कृष्ण कभी मक्खन चोरी करे। इसलिए भगवान सोच रहे हैं मक्खन चोरी करने के लिए, हमारे प्रभु जी आपको पूछो मक्खन चोरी को तुम्हारे देखो काम होगा, कुछ मक्खन चोरी की प्रभु जी कथा सुनाएंगे। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। देखो अभी परिवार की बात सुना रहे थे ना, देखो जो सामने बैठे हुए हरे कृष्णा गोरीलाल जी, देखो ये जो बैठे हुए ना इन्होंने शादी नहीं, और कहाँ काम करते थे प्रभु जी, अरे बोलो काम इन्होंने शादी नहीं किया, जितने सारे पैसा भाइयों की सेवा में लगा, सारे जितने पैसा लगते अभी भी भाइयों का दुख सुख में सारे पैसा, मतलब में शादी नहीं करूँगा कोशिश करता भैया के लिए घर बना दे और भैया लोग सही हो जाए, इसलिए उन्होंने सारे पैसा उन्होंने अपना माता जी और अपना भैया का सेवा के लिए सब उन्होंने जीवन से दिया। निकले ताली बजाओ जो स्वयं संसार की सारे भाइयों की सेवा में लगे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णु पाद स्तोत्र सत्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिलम श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके अहेतु कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव प्रगण रूपानुग गुरुपाद पद्म स्वपार्षद गौर नित्यानंद प्रभु श्री जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके अहेतु कृपा वांछा करता हूँ। आप सभी वैष्णव वृंद वैष्णवी माताएं सबके चरणों में अदम्य कुशल के हरे हरे कृष्ण। आप लोग अपने काम करो थोड़े आगे आगे आ जाएंगे, यहाँ खाली जगह पड़ा हुआ, जो पीछे आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, जो पीछे आ रहे हैं वो पीछे बैठे हैं, अपना थोड़े आगे आ रहे थोड़े थोड़े सर के जाओ, थोड़े 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 सर के जाओ, इसको थोड़ा थोड़ा बोलो से वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी अभी धीरे धीरे बड़े हुए, अब जैसे ही बड़े हो गए
ठाकुर जी के मन में बड़ा इच्छा हो रहा है कि मैं थोड़ा ब्रजगोपियों के घर में जाकर माखन का चोरी करूं। भाई लोग बैठ जाओ, बात मत करो, बैठ जाओ। तो ठाकुर जी की अभी धीरे धीरे बड़े होते हुए थोड़ा नटखटपन दिखा रहे हैं, नटखट लीला कर रहे हैं। गोपियों के घर घर जाना, किसी किसी गोपियों के मटकी को फोड़ देना, गोपियों के घर में जाके माखन मिश्री आदि चोरी करना, ये सब लीला ठाकुर जी अभी प्रारंभ किए। तो श्रीमद् भागवत के अंतर्भुक्त श्री सुखदेव गोस्वामी बात वर्णन करते हैं, पयो दही ही तस्करा। कभी कभी तो ठाकुर जी दूध की चोरी करते हैं और कभी कभी ठाकुर जी दही की चोरी करते हैं। तो एक समय की बात है, ब्रज में ठाकुर जी जितने भी चोरी करते हैं, एक समय अपने सारे सखाओं को बोला, अरे सुन रहे हो? बोले हाँ। रोज मैं तुम्हारे लिए चोरी करके लेके आता हूँ, मैं तुम्हारे लिए रोज रोज चोरी करके लाके आता हूँ और तुम लोग को सारे के सारे तुम लोग भटक जाते हो, कुछ मुझे मिलता नहीं, उल्टा ऊपर से डांट पिटाई सब मेरे गुस्सा में, आज से मैं चोरी नहीं करूँगा, सखाए वाले देख लाना। हमारे घर में तो हमारे मैया लोग तो हमें खाने पीने के लिए ठीक से देते नहीं, अब तू तो नंद राजे को छोरो है, तू बढ़िया बढ़िया चोरी करके कहीं से किसी से बोरे बोरे बात करके तेरे बातों में तो सब रिझ जाते हैं और कहीं से कुछ ले आता है हमारा पेट भर जाता है, अब बताओ क्या करना पड़ेगा। बोले ठाकुर जी, बोले देखो मैं अकेले नहीं चुराऊंगा इस बार। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले तुम लोगों भी क्या करो, चोरी करना सीख लो। मधुमंगल बोले दारी के में चोरी करवाना सीखा रहे, हमें पिटाई करवाएगा तुम्हारे जैसे? तब बोले अरे देखो चोरी करना कोई विशेष बात नहीं है, अपने घर में ही तो चोरी करेंगे, सबसे पहले क्या करो अपने घर में चोरी करो। बोले ठीक है लाला, हम घर में चोरी करते। सखा लोग चले गए घर में, अब जैसे ही घर में चोरी किए, इनको तो चोरी करना आता नहीं, इनको चोरी करना आता नहीं सखा लोग को, कोई पिटाई गया, कोई पकड़ा गया और तरह तरह की कोई गाली सुने। सखा लोग भी निराश होके आ गए और कृष्ण के पास आके बोलने कि देख लाला, अरे कन्हवा देख, हमने तेरे कहने पर तो चोरी तो किया लेकिन कोई पिटाई खाया और कोई देख देखते देखते करके भाग करके अपने जान बचाए, और कोई तो बड़े गाली खाया और कोई कोई पकड़ करके तो बड़े धुलाई हो गया उसको, अब से हम चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले भाई चोर मुझे ही करना पड़ेगा। तो सारे सखा लोग बोले कि देखो तू आज से वहां सरदार हो, तू हमारा आज से सरदार है, तुम चोरों का सरदार है, बोले चलो चोरी करने चलते हैं। अब इतने में ब्रज में जहीं जहां जहां जाके ठाकुर जी चोरी करते हैं, जैसे होते ना चोर का एक नामो निशान भी नहीं रखता, ठाकुर जी पूरा का पूरा सारे की चोरी करते हैं लेकिन किसी ब्रजवासी के हाथ में पकड़ में नहीं आए। तो पकड़ में जैसे नहीं आए, सारे ब्रजवासी लोग सोच रहे अरे लाला को पकड़े तो कैसे, लाला को पकड़ना है और पकड़ के मैया यशोदा के पास ले जाएंगे और लेके उनको दिखाएंगे कि देख, मैया यशोदा कहती है ना अरे हम बोलते हैं कि तुम्हारे लाला हमारे घर में आके चोरी करता है, तो मैया बोलती है कि रंगे हाथ पकड़ के लेके आओ, तो रंगे हाथ कैसे पकड़ेंगे? तो गर्ग संहिता में वर्णन आता है, एक प्रभावती नाम का एक गोपी, एक प्रभावती नाम की एक गोपी, इसने बोली देख अरे सखियों सुनो, मैं पक्का पकड़ लूंगा, मैं पक्का पकड़ लूंगी कृष्ण को। बोले कैसे पकड़ू? अब देखो मैं अपने बढ़िया सुंदर दूध दही मिला करके बढ़िया बढ़िया चीज हमारे घर के आंगन में रख दूंगी और कृष्ण भागे भागे निश्चित रूप में आ ही जाएंगे। अब इतने में प्रभावती ने बढ़िया सुंदर पद्मगंधा गाय के, ये गाय का जो दूध है ये सबसे अत्यंत दुर्लभ भी है और इस कोटि का गाय मिलना और इसका जो दूध है अमृत के समान लगता है। तो उसमें बता रहे कि जो पद्मगंधा गाय की जो दूध है इतना स्वतः ही मिठास है, हम लोग जैसे चीनी बूरा डालते हैं ना, मतलब डालने की जरूरत नहीं, स्वतः ही मिठास है। तो इसके दूध को पूरा जैसे इसमें पूरा विशेष भाव में विशेष प्रीति से उसने क्या क्या जामुन दे के और उसको थोड़ा लाल करके उबाल के उसी दूध का दही बना दिया और दही बना के एक कोरे हाथ जो होते हैं मटकी में उसको बढ़िया सुंदर करके सजा करके उसने मिष्टी दही बोलते ना हमारे उड़िया में बोलते हैं मीठा दही, हिंदी लोग तो पता होगा कि नहीं आप लोगों को, एक मीठा दही आता है
तो बता रहे हैं कि जो मीठा दही है उसको बड़े सुंदर से उसने आंगन के बीचों बीच रख के छुप गई और छुप करके बाल कृष्ण भगवान को ध्यान करने लगी कि मन में सोच रही है कि कृष्ण कभी मेरे घर में आएंगे और मेरे घर में आके इससे क्या दही को कृष्ण भोग लगाएंगे आरोगेंगे। इतने में मन ही मन उस गोपी ने भगवान के ध्यान करने लगी, गाने लगी, बोले आज मेरे अंगने में आयो नंदलाल आयो गोपाल दर्शन के प्यासे गुजरी आशा। दही का सुगंध आ रहा है, आंगन में दही है भैया, और इधर उधर घूम घूम के देखने लगे कि घर में कोई नहीं है। सोचने लगे अरे ये गोपी इतना चालाक तो इतना बेवकूफ तो है नहीं, पक्का कहीं ना कहीं छुपी हुई होगी, बड़ा चालाक है गोपी, कहीं ना कहीं पक्का छुपी होगी। अब इतने में ठाकुर जी सोचने लगे सामने दही है तो सोचना है कि चलो कुछ ना कुछ कर आते हैं, उठा के जल्दी भाग जाएंगे। जैसे ही ठाकुर जी दही के पास गए इतना सुगंधित दही था, ठाकुर जी जैसे ही उसके दही के मटकी में हाथ घुसा करके आरोपना शुरू किए, इतने में दबे पावन में गोपी धीरे धीरे आई, ठाकुर जी को कलाई को पकड़ ली। ठाकुर जी तो बड़े भोरे बन गए, ठाकुर जी सोचने लगे बोले मैया ओ मैया, गोपी बोले मैया ना हूं मैं, ब्रज गोपी हूं मैं, ब्रज गोपी नाम भयो प्रभावती है मेरी, तेरे मैया ना हूं मैं, भोरे मत बनियो। अब इतने में ठाकुर जी बोलने लगा अरे ये गोपी मुझे तो लग रहा था कि मैं कहीं मेरे घर में आ गया हूँ, हाँ बाको समझ में आ रहा है कि जैसे नंद महल की जैसे भवन है, नंद महल के जैसे दरवाजा खिड़की पूरा का पूरा तेरे घर की दरवाजा खिड़की तो एक सा ही लग रहा है, अरे मैं तो धोखो खा गया रे, मुझे तो धोखे से तेरे घर में आ गया, तेरे मटकी में मैंने देख लिया, तेरे मटकी में यहाँ पे बैठ करके दही देख करके मैं यही बैठ गया, अरे मुझे बड़ा दुख हो गया। गोपी बोले अरे प्रभु आपका ही घर मानो, बड़ी कृपा किया अपने घर में आए, बोले यहाँ अकेले में बैठ के क्या कर रहे हो। ठाकुर जी बोले देख गोपी तू भले अकेली गोपी, सास ससुर की ननद की सेवा करने वाली, ताना सुनने वाली गोपी, गायों बिलों में सेवा करते है, जमुना में जाके पानी मटके भर भर के लगे तेरे कमर में दर्द होने लगती होगी, और तू कितने भली भोरी गोपी कहाँ काम देखेगी, इसलिए मैंने सोचा कि देखे तुम्हारे जो बड़े मिष्टी दही है ना, बड़ा मीठा दही, उसमें देखो चींटी लग गए हैं, तो तू घर के काम काज में इतना व्यस्त है कि तू देख ही नहीं रही है, तो मैंने सोचा कि तेरे काम को थोड़ा हल्का कर दूं, इसलिए चींटी बीनने की दही मैंने तेरे घर में आ गया। बोले गोपी बोले बढ़िया बात है, बोले कहा गए चीटी। ठाकुर बोले आपका दही है चीटी, सब गए अपने बिलन में घुस गए।
बोले गोपी बोली अच्छा सब चींटी भाग गए लाला भगा दिया तूने। हाँ भगा दिया बिल्कुल भगा दिया, देख अब एक भी चींटी नहीं बचा, दही में देख ले मटकी में देख ले झांक के। तो गोपी बोले देख लाला सब तो समझ में आ गई, तूने चींटी भी भगा दिया, धोखे में हमारे घर में भी आ गए, लेकिन देखो चींटी भगाने में तुम्हारे हस्त के अंगुली के अग्रभाग में दही लगना चाहिए, ये तो तेरे हाथ भर दही से सान रहे, तेरे हाथ के पूरा का पूरा हाथ दही से कहते आ गया। तो ठाकुर बोलते हैं कि देख गोपी मेरे मैया ना ये है राखी, राखी अर्थात यहाँ पे बता रहे हैं कि जो राजा के पत्नी नंद बाबा के पत्नी यशोमती मैया ये सोच रहे हैं कि कृष्ण को मैं थोड़ा सोना चांदी से अलंकृत कर दूं, बढ़िया करके ठाकुर को श्रृंगार करते हैं। तो बता रहे देख मेरे मैया ना मेरे हाथ में एक खड़ोला दे दिया है, बांध दिया है। बढ़िया बात है खड़ोला बांध दिया, बोले बांध तो दिया है लेकिन ये खड़ोला साधारण नहीं है, पद्मराग खड़ोला है ये, और इसमें पद्मराग का जो मणि है इसमें बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन जब सूर्य किरण आता है तो सूर्य किरण से ये मणि क्या होता है ना उत्तप्त हो जाता है, अब जलने लगता है सूर्य किरण पड़ गया। अब मैं ब्रज में खेल कूद कर रहा था सखाओं के साथ, जैसे ही हाथ जलने लगा तो मैं धोखे से तेरे घर में आ गया। अब मैं बड़े बड़े से सुना हूँ कि दही दूध ये सब मक्खन ये सब क्या होता है ना ठंडक वस्तु है, तो हाथ में जो जले हुए खड़ो को जो पद्मराग मणि का जो खचित हुआ जो खड़ोला मेरे मैया ने मेरे हाथ में बांध रखा है उसको शांत करवे के ताई मैंने क्या किया पूरा का पूरा दही में हाथ उतर गया। तो गोपी बोले अरे वाह बढ़िया बात है प्रभु जय जय हो, आपके मेरे दही का तो धन्य हो गया, आपके हाथ जलन शांत हो गया। बोले हाँ बिल्कुल शांत हो गया, देख ले कितना चमक रही है हाथ भी जलन शांत हो गया। बोले सब बात तो समझ में आया बस एक बात समझ में नहीं आ रही। बोले क्या गोपी? बोले देख तुमने चींटी भी हटा दिया और सखाओं के साथ खेलते खेलते हमारे घर में भी धोखे से घुस गया और तुम्हारे हाथ जलन भी सही हो गया, लेकिन सब चीज तो सही है लेकिन लाला तेरे होटल पे दही कैसे लगी है बताओ कि लाला तेरे होटल पे क्यों दही लगी हुई है। अब ठाकुर जी बोले अरे गोपी तू भी वकीलों की जैसा सीआईडी की जैसा मेरे पीछे ही पड़ गए, पूछे जा रही है पूछे जा रही है। अरे सुन जिस समय मैं दही को दही से चींटी निकाल रहा था तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि एक चींटी इतना दुष्ट था कि धीरे 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 हाथ में घुसे ही जा रहा है और धीरे धीरे घुसते 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 अंदर तक घुस गया, अब जैसे ही मुखमंडल में आ गया तो मेरे मोड़े में जैसे आ गया, अब इतना सुंदर मुंह है चींटी काट लेगा तो कैसा दिखेगा अच्छा दिखेगा। बोले नहीं लाला अच्छा नहीं दिखेगा, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो चींटी को हटाना था, अब चींटी को हटाते हटाते तेरे जैसे प्रेमियों भाई मधोटा दलूद के जो ये सुगंधित दही है और तुम इतने प्रेम से यहाँ पे महल पे जो आंगन पे रखे हो, अब चींटी को इतना काम कर लिया और हटाते हटाते मैंने यहाँ चाट लिया थोड़ा खा लिया तो शास्त्र वेद में कुछ दोष पात लिखे भाई होगा चाटने में कुछ दोष है क्या। ठाकुर जी बोलने लगे और बढ़िया करके चाट चाट के खाने लगे दही को निकालते निकालते। अब इतने में जैसे ही ठाकुर जी खा रहे हैं गोपी तो देख के बोले अरे उल्टा सीधा बात कर रहा है और सारे के सारे दही भी नष्ट कर दिया, अभी बताता हूँ। ठाकुर जी तो बड़े गुस्से में आ गए, दोनों हाथ को कमर में रखे गोपी की तरफ देख रहे हैं और बोले देख गोपी तुम्हें इतना सारा दृष्टांत बताया इतना सारा बहाना दिया फिर भी तुम मान नहीं रहे हो, अगर मेरा दही खाना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो ले। ठाकुर जी ने उसको चुनरी को उसको पल्लू को जोर से पकड़ा और अपने मुंह मुखमंडल और हाथ को खोल दिया। गोपी तो गुस्से में आ गई, पहले तो मेरे दही नष्ट कर दिया और मेरे पल्लू नष्ट कर दिया, आज तो तुम्हें पकड़ के ही रहूंगा। हाथ को जोर से पकड़ लिया गोपी और गोपी पकड़ के बोल रही है चल अभी नंद महल में चलो, अभी आज दिखाता हूँ। यशोमती मैया हर समय बोलती है ना कि हर समय लाला को रंगे हाथ पकड़ो, आज दिखा के ही रहूंगी। अब इतने में जैसे ही गोपी ने कृष्ण को हाथ को पकड़ लिया ठाकुर जी बोले अरे गोपी तेरे लंबी डोक दो तेरे हवा खाओ तेरे पावन पढ़ो तेरे घर के सारे काम मैं ही कर दूंगा, किसी से भी कुछ नहीं बात करना, देखो मैया के पास मुझे मत ले जाइयो, मैया मुझे ना बहुत डांटेगी बहुत लज्जा आ रही है।
तो गोपी बोले इतने लज्जा बाकी था तो घर घर में घुस के काहे के लिए गोपी काहे के लिए दूध दही चोरी कर आप लोग सटक के लगे बैठे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जम के लग रहा है सब आगे आगे आ जाओ कितना जगह पड़ा हुआ अब एक एक व्यक्ति दो दो जगह पर दखल करके बैठा सब अब आगे आ थोड़ा आगे खाली जगह तुम पड़ा हुआ आगे आ जाओ ना सबके साथ आगे आओ और आगे जाओ और आगे आ जाओ और थोड़ा सा आगे तब इतने में जैसे उस गोपी ने ठाकुर जी को हाथ को पकड़ा और ठाकुर जी को हाथ को पकड़ करके जैसे ही ले जा रहा था तब इतने में ठाकुर जी बोले अरे गोपी तुम्हें लाल शर्म बिल्कुल भी नहीं है सर की तरह चली जा रही है देखो ब्रज में तुम्हारे सास ससुर ननद सब खड़े हैं घूंघट तो कर लो अब इतने ब्रज में ब्रज के गोपी प्रभावती सोचने लगी लाला तो सही बात कर रही अब जैसे ही घूंघट किया ठाकुर बोलने लगे अरे गोपी तू तो दूध दूध धोने वाले मटकी में जमुना जैसे पानी लेने वाले तुम्हारा हाथ कितना कठोर हो गया मैं तो खेल कूद मक्खन खाने वाले और देखो मेरा हाथ कितना कोमल है कसके पकड़ रखे हो हाथ दर्द हो रहा है नेक इस हाथ को छोड़ो और दूसरे हाथ को पकड़ो अब इतने में जैसे ही गोपी ने सोचने लगा कि बाल कृष्ण प्रभु के हाथ में सचमुच दर्द हो रहा होगा अब उसने क्या किया ठाकुर जी को हाथ को छोड़ दिया हाथ को जैसे ही ठाकुर जी ने छोटाया तो ठाकुर जी ने किया गया झट करके उसके बेटे के ही हाथ उसके हाथ में पकड़ा करके ठाकुर जी फेरा ठाकुर जी तो नंदमान के पीछे के द्वार से चले गए पीछे के द्वार में जैसे ही जा करके ठाकुर जी अंदर प्रवेश कर ले जोर जोर से रोने लगे मैया सोचने लगी अरे नंदबाब अरे लाला मुझे तो लग रहा है तू गया चरण में के लिए गया हो अब तू तो यहाँ घर में ही हो तो ठाकुर बोले अरे मैया आज तो कहीं सुबह मेरे घर से ही नहीं निकला और आज मैंने लग रहा है थोड़ा शरीर असुस्त है शरीर थोड़ा ढीलो ढालो सा है इसलिए आज कहीं गया ही नहीं बोले ठीक है लल्ला ले माखन मिश्री खाओ अब इतने में प्रभावती आ गई अपने बेटे के हाथ को पकड़ करके जोर जोर से चिल्लाने लगे अरे नंद रानी अरे यशोमती मैया देख तेरे लाला को आज पकड़ करके लेके आया अब कृष्ण यशोमती मैया की तरफ देख रहे हैं यशोमती मैया कृष्ण की तरफ देख रहे हैं ठाकुर जी कह रहे हैं मैया तेरे क्या दसवीं लाला है तेरे क्या और कुछ कोई लाला है क्या बोले नहीं मेरे तो एक ही लाला हो तो और ये गोपी क्या बोल रही है जाके देख करके आ तो यशोमती मैया जैसे ही भाग करके दरवाजे पे आए तो गोपी ने सारे दृष्टांत बताया देख तेरे लाला को मैं रंगे हाथ पकड़ रहा हूँ ये वो हमका ढूंढा सब शिकायत कर दिया इतने में ठाकुर जी एक हाथ में मक्खन मिश्री को ले गए एक हाथ में ठाकुर जी कमर पे हाथ रख के धीरे धीरे मैया के पीछे से ठाकुर जी निकले और बोले देख रहे हो मैया मेरे नाम पे कैसे बदनामी कर रहे हैं ये ब्रज गोपी देख रहे हो सुबह से मैं आज घर में ही हूँ कहीं गया भी नहीं हूँ और मेरे नाम पे ये बदनामी कर रहे हैं गोपी ने सोचने लगा अरे ठाकुर तो सामने है कृष्ण तो सामने है और हाथ किसका पकड़ रखा हूँ तो जैसे ही उसने अपने घूंघट उठाई तो देखा कि अपने बच्चे का ही हाथ पकड़ी हुई है अपने बच्चे का ही हाथ पकड़ी हुई है वो तो आश्चर्य हो गए एक लगाया उसको क्योंकि गोपी नाम ही इसलिए है कि वो संसार और कृष्ण के बीच में वो किसी को भी सहन नहीं कर सकती इसका नाम है गोपी तो उसने फिर जैसे जैसे मैया को माफी मांगी और माफी मांगकर जैसे गोपी जा रही थी तो दूसरे दरवाजे से ठाकुर आए और ठाकुर आके बोले देख गोपी अगर मैंने इस बार तुम्हारे घर में चोरी किया और चोरी करके तुमने मुझे जोर जबरदस्ती मना कर रही थी मना कर रहा था और फिर भी तुमने जोर जबरदस्ती किया गया मैया के पास ले आए अगर इस बार तो मैंने तुम्हारे हाथ में तुम्हारे बेटे के हाथ को पकड़ा दिया अगर तुम अगले बार भी तुम्हारे घर में चोरी करने आऊंगा अगर अगले बार अगर ऐसे हरकत करोगे तो अगले बार तेरे हाथ में तेरे बच्चे की नहीं तेरे खसम को हाथ पकड़ा दूंगा देखना क्या होगा अब ठाकुर जी इस प्रकार मधुर मधुर लीला करते हैं देखो इस लीला के पीछे एक रहस्य है कि रहस्य को बता रहे हैं तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि मक्खन मक्खन अर्थात ठाकुर जी क्या चोरी करते हैं ठाकुर जी भाव ग्राही जनार्दन वास्तव में उनको मक्खन का कोई जरूरत नहीं है ये तो गोपियों का हृदय को उस प्रेम को गोपियों के हृदय को उस भाव को ठाकुर जी चोरी करते हैं तो देखो ठाकुर जी हमारे भी हृदय में आएंगे कब आएंगे ये मक्खन अर्थात काम क्रोध लोभ मोह
ये जो सड़ विकार है हमारे हृदय में, जब तक इसको ठाकुर जी क्या करते हैं, इसको जब तक ये अनर्थ हमारे हृदय से नष्ट नहीं होगा, और हमारे हृदय से जब तक ये अनर्थ नष्ट नहीं होगा तो वो प्रेम भी प्रकाशित नहीं होगा। तो जब तक वो प्रेम प्रकाशित नहीं होगा तो ठाकुर हमारे हृदय में कभी भी नहीं आएंगे। भगवान की जय हो। ताली बजाओ। आगे बढ़ो। भगवान जो मक्खन चोरी करते थे इसका एक पीछे रहस्य है। इसका नाम है मत ना। मक्खन मतलब मत, मतलब क्रोध, ना मतलब नहीं। ठाकुर जी किस चीज की चोरी करते, वो तो दूसरे विश्व ब्रह्मांड का मालिक, और क्या चोरी करेंगे, दुनिया तो उनकी है, तो चोरी क्या करेंगे। इसलिए जिसकी हृदय में काम क्रोध लोभ नहीं, ठाकुर जी उसको ही चोरी करते हैं। अब बताओ काम क्रोध लोभ किसके हृदय में नहीं, इसलिए कहते हैं ना, बोले शांता हृदय ना बनी का समाना, शांता हृदय पहले मक्खन बनाने सबसे पहले दूध लाओ, अरे दूध को गर्म करो। दूध को गर्म करना मतलब क्या है, जब किसी हृदय में भगवत प्राप्ति की हृदय में उत्कंठा जाके आग लगी, भगवान कब मिले, ठाकुर जी हमें कब मिलेंगे, तब यही दूध को गर्म करना। जैसे ध्रुव महाराज जी जब कठोर तपस्या की, भगवान ने क्या किया, श्री नारद जी को भेज दिया, क्योंकि जब तक गुरु जी की कृपा नहीं हो, इसलिए कहते हैं ना, बिनु गुरु भवन की तरई न कोई, जो विरिंचि शंकर सम होई। कहते ब्रह्मा शंकर जैसे बन जाओ, लेकिन अगर जीवन में सदगुरु को नहीं अपना तो संसार से पार नहीं हो सकते। इसलिए यद्यपि भगवान राम भगवान हैं, लेकिन उनकी गुरु जी कौन थे, बोलो कौन थे, वशिष्ठ जी थे। कृष्ण भगवान, लेकिन उनका गुरु शांतिपद ऋषि है। इसलिए यहाँ पर हृदय में गर्म मतलब हुए, जब भगवत प्राप्ति की इच्छा हो, फिर भगवत इच्छा से हम किस संतों की दर्शन होता है। इसलिए इनका नाम गुरु है। गुरु मतलब क्या होता है, बोले गुकार अंधकार रुकार तस्य निरोधक। हृदय की अज्ञान को जो दूर करके हृदय में दिव्य आलोक को जो संचार करके, ये गुरु। अभी हृदय में जब उत्कंठा आई, भगवत इच्छा से हमें गुरु मिलते हैं, फिर उसको बाद में क्या करो, जमन डालो, कि जमन किया है। बोले गुरु जी हमें जो मंत्र प्रदान करते हैं यही जमन है। जब जमन डाल दिया, अभी बैठ गया दही, जब दही बैठ गई, उसको बाद में क्या करो, बोले मंथन करो। बोले मंथन करना मतलब क्या, बोले गुरु जी तो हरि का नाम दिए, भगवान के मंत्र दिए, अभी हमारा काम है उसको मंथन करना। मंथन मतलब उसको साधन भजन करना। ऐसे नहीं गुरु जी ने माला दी और माला लटका के धरती जा करना, बोले गुरुदेव भगवान नहीं मिल रहे हैं, और कोई नया मंत्र हो तो दे दो, हैं, बोले नहीं, हरिनाम को ठीक ठीक से हरिनाम को हमें जप करनी चाहिए। जब जप करेंगे, मंथन करेंगे, एक तरफ में मक्खन और दूसरे तरफ में छाछ। ये मक्खन क्या है, बोले प्रेम। ये प्रेम ही ये मक्खन है। जब हृदय में ये प्रेम जागृत होगा, क्या होगा, फिर आपको भगवान तक जाने का जरूरत नहीं,
भगवान आपका घर बनाए। ठाकुर जी तुम्हारे घर में आएंगे, इसलिए ये गोपियां कृष्ण के पास में नहीं जाती थी, कृष्णा गोपियों के पास में आती थी। क्यों? इनके हृदय में ठाकुर जी का भक्ति प्रेम है, इसलिए ये मक्खन लीला के तात्पर्य है। अब मेरे प्रभु जी आपको एक बड़ा सुंदर भजन गाएंगे। देखो जी सामने बैठे हैं ना, इनकी आकाशवाणी में भजन आती है, अगर रेडियो खोलोगे तो आप तो आकाशवाणी में देखोगे इनकी भजन सुनने को मिलता है। इसलिए हमारे गुरु जी के बड़े प्यारे शिष्य है, आप एक सुंदर भजन गाएंगे। भगवान हमारे लिए आदेश किया, बरसाने जो गए होंगे देवर वन में, मोरकोट स्थान है वहाँ, कन्हैया राधा रानी को रिझाने के लिए मयूर भी बने हैं और फिर नृत्य किया है मयूर भगवान ने। Yeah.
Thank you.
Thank you.
श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक हम श्रवण करेंगे। कितना दिन तक श्रवण करेंगे? 7 दिन तक। नियम है कथा में कुछ दो और कथा से कुछ लो। बोले भैया दे किया और ले किया, बोले सारे गंदी चीज को दे जा और ले किया तो ठाकुर का भक्ति, ठाकुर जी को प्रेम को लेकर भी जानी चाहिए, ठीक है ना। में जो 4 चीज को गलती बता, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी श्री परिकृत महाराज कली को 4 जगह पर स्थान दिया। मतलब है कली युग में कोई भक्ति करना चाहते हैं उनको जीवन में 4 नियम को पालन करने चाहिए। बोले पहला क्या है? बोले दुतम। दुतम का मतलब होता है जीवन में जुआ नहीं खेलनी चाहिए। इसलिए स्वयं श्री युधिष्ठिर महाराज से कह दिया, देखो मैं धर्म राजा हूं लेकिन ये जुआ खेल करके मेरी कितने सत्यानाश है। आप सब महाभारत देखे होंगे, पहले राज्य भी गया, भाइयों को बैठाया, भाइयों को भी गए, लास्ट में द्रौपदी को भी जुआ में बैठा और द्रौपदी कभी हार गए। फिर द्रौपदी की वस्त्र हरण देखना पड़ा और कितने बलवान पंचे पांडव थे लेकिन उनको 12 साल के लिए वनवास हुआ और 1 साल के लिए उनको अज्ञातवास में विराट राज्य में दासत्व करना पड़ा। यहाँ शिक्षा देते हैं अगर हम जीवन में जुआ खेलोगे इतने नीचे उतर करके आना पड़ेगा, इसके जीवन में कभी जुआ खेलने नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए धर्म का पहला चरण सत्य है। जो व्यक्ति जुआ खेलेगा कभी जिंदगी में सच बोल ही नहीं सकता, वो झूठ को पर झूठ बोलते जाएगा। इसलिए धर्म का पहला चरण यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा है पानम। पानम का मतलब होता है किसी तरह का नशीली वस्तु मत लो, जैसे पान बीड़ी, ध्यान देकर उत्तर सुना, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। देखो जो शराब पीते हैं ना उनको 3 लाभ होता है। कितना लाभ होता है पता जी? इसलिए जो शराब पीते हैं उनका 3 लाभ है। बोले 3 लाभ क्या है? देखो 3 लाभ क्या है। पहला लाभ है कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं बनेगा। बोले बूढ़ा नहीं बनेगा मतलब? बोले जिंदा रहे तब तो बूढ़ा बनेगा ना, वो तो पी पी करके आधा उम्र में खत्म हो जाएगा। कुछ दिन पहले एक माता जी मेरे से हरिनाम लेने के लिए आए, देखा उसको 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा इसका पिताजी कहाँ है? बोले मर गया। बोले कैसे? बोले शराब पीता था, जब पकड़े गया शराब पी करके दोनों लीवर ही खराब हो गए, बचने का कोई सवाल नहीं था। भाई दूसरा लाभ क्या है? दूसरा लाभ है उसको घर में चोरी नहीं हो। बोले चोरी का होगा घर में कुछ हो तब तो चोरी होगी ना, वो पत्नी का सब गहना गांठी सब बेच बाच कर पी पा कर खत्म कर दिया, चोरी किस चीज का। तीसरा लाभ क्या? बोले कुत्ते हैं उसके दोस्त बने गए। मतलब क्या? कहीं पी पा कर पड़ा रहेगा कुत्ते आकर के मुंह में पेशाब कर लिया। इसलिए कहते ये सब चीजें दूर रहनी चाहिए, ठीक है ना। शराब पिया मतलब तुम्हारे घर ही गया, पति घर ही मन खत्म हो गया, वो घर का ऊंचा उड़ नहीं सकती है जो शराब पीने वाले हैं। इसलिए कोशिश करना दूसरों को समझा भैया शराब नहीं पीनी चाहिए, इसलिए और गुटखा भी नहीं खानी चाहिए है, गुटखा भी गंदी चीज है। आप बताओ गुटखा का पहला अक्षर क्या है? अरे बोलो गुटखा का पहला अक्षर क्या है? अरे जोर से बोलो, ये गुटखा नहीं भू है। इसलिए जिसने ये गुटखा का टप्पा नहीं खोला, खोल कर देखना, जिसने ये गुटखा का टप्पा नहीं खोला ना वो स्वयं कैंसर खाकर खूब मरे, खुद तो मरा दूसरों को भी मरवा कर गया है। इसलिए ये जीवन में एक ही नशा हो भगवान की प्रेम की नशा, ठीक है ना। इसलिए दूसरा चीज है इसको खाने से कभी तपस्या नहीं कर सकते। तीसरा स्त्रियों, कहते स्त्रियों के ऊपर कभी कली का निवास। बोले भैया कौन सा स्त्रियों के ऊपर कली का निवास है? बोले जो लोग अवैध रूप में स्त्री पुरुष और पुरुष और स्त्रियों से मिलते संसार करो, शादी करके अपना धर्म पत्नी को साथ में अपना घर गृहस्थ निभाओ। बगैर शादी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के घूम रहे हो, शास्त्र इसको एकदम स्वीकार नहीं किया।
बोले संसार करो साथी करके धर्म पूर्वक अपना संसार को निभाओ, कहते उसको करने से कहते पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथा चीज है जीव हिंसा। जीव हिंसा को सबसे बड़ा पाप मान लिया। जीव हिंसा मतलब होता है किसी जानवर को खाना है, जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, प्याज लहसुन, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। इसलिए इसका नाम है मांस। मांस मतलब क्या? मां मतलब मुझको, सह मतलब वह, अभी जिसको तुम खा रहे हो बाद में फिर जिसको जो तुमको खाएगा, इसलिए इसको अंग्रेजी में कहते मीट। मीट मतलब क्या? मी ईट, उल्टा दो ईट मी, अभी तुम जिसको खा रहे हो बाद में फिर तुमको ही वो खाएगा हैं। इसलिए ये जीव हिंसा को सबसे बड़ा पाप मानी गई जितने पापों में, क्योंकि सभी के हृदय में जगन्नाथ का निवास है, हम सब एक पिताजी की संतान है हैं? इसलिए जब हम किसी जानवर को खाते हैं उसको जो हा भरता है, वो जो दुख कष्ट पाता है उसको कौन भोग करेगा? खाने वाला। इसलिए जीवन में कोई दुख नहीं चाहते हैं, जीवन में क्या चाहते हैं? सुख ही चाहते हैं ना। इसलिए कहावत है सुख देने से सुख मिलेगा, दुख देने से क्या मिलेगा? दुख देने से दुख ही मिलेगा। इसलिए कभी भी ये सब मांस मछली अंडा और अंडा खंडा नहीं खानी चाहिए। इसलिए अंडा जो है ना, महाभारत युद्ध जब समाप्त हो गया, गांधारी की 100 बेटे मारे गए, गांधारी कृष्ण के पास में गए, बोले प्रभु जी मेरे को 100 बेटों का मृत्यु क्यों देखना पड़ा? भगवान पूर्व जन्म की कथा सुना, पूर्व जन्म में तुमने मृगया करने गया था और बड़े भूख लगा था, जिस पेड़ को नीचे बैठा था उसको ऊपर में चिड़िया की घोंसला थी, तुम चढ़ करके 100 अंडा खाया और एक एक अंडा में एक एक बच्चा होता है, इसलिए तुमको 100 बच्चों को मृत्यु देखना पड़ा। जब हम बुरे कर्म करते हैं ना नहीं सोचते हैं, लेकिन जब दुख हुआ है ना बिलबिलाते हैं, हम ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों दुख कष्ट आए हैं। इसलिए करने से पहले कोई बुरा कर्म को 100 बार सोच करके करो, ठीक है, कोशिश करना इस सब चीज को छोड़ने के लिए। और जो प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए। आप बोलोगे भैया प्याज लहसुन में क्या दोष है? आप लोग जैसे नवरात्रि आती है ना, देखना 9 दिन तो कोई प्याज लहसुन को नहीं खाते, नहीं खाते है ना, खाते नहीं ना, क्यों? 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा। क्या भैया को क्यों नहीं खाते? बोले माता जी व्रत, माता जी की व्रत करते माता जी खुश नहीं होगी। क्या मैया को नदनी के लिए खुश रखना फिर खा कर नाराज कर? जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता, जो चीज माताएं नहीं खाती हैं, जो चीज हनुमान को व्रत से नहीं लगता है, वो चीज हमें भी नहीं ग्रहण करनी चाहिए। ये तामस की वस्तु है, ये तामस की भोजन है। जब इसकी एक छोटी कथा सुना देता, ये प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते? बोले पहले पहले ऋषि मुनि लोग आश्रम में गैया पालते, वो माँ है हिंदू लोग पूजा करते हैं, लेकिन जब कोई बूढ़ी हो जाती थी उसको मरने नहीं देते, उसको ऋषि लोग यज्ञ करके यज्ञ में बलि देते थे और उसमें आहुति डालते थे। ऋषि जब मंत्र पढ़ते थे बूढ़ी गैया जवानी बनकर निकल गई, कोई गैया बूढ़ी हो गई उसको बलिदान किया, सबका हाथ में मांस दे दिया डाल ले। हर तरह के व्यक्ति होते हैं, इसने वो मांस खाने के लिए रात में छुपा दिया, सबके सब डाले उसने डाला ही नहीं, लेकिन जब मंत्र पढ़े वो गैया एकदम जवानी बनकर निकल गई। लेकिन जिस अंग का मांस को छुपा दिया था भरा नहीं, वो बड़ा भाव बना हुआ। ऋषि बोले ऐसे जैसे हो गया, उन्होंने ध्यान लगाया, देखा किसने मांस खाने के लिए छुपाया, तो उन्होंने अभिशाप दे दिया। बोले जहाँ पर ये मांस को गाड़ की, मांस जैसे लाल लाल रंग के, प्याज भी पौधा लाल लाल रंग के बनेगा। जैसे मांस से बदबू आती है, आप जब कच्चा प्याज खाओ मुंह से भी बदबू, मुंह से भी बदबू आती है। इसलिए यहाँ पर काटो पता चलेगा कहीं प्याज कट रही, छोंक तो उसकी भी बदबू आती है। इसलिए 9 दिन तक नवरात्रि में इसलिए 9 दिन तक कोई खाते नहीं, क्यों? माता जी को पसंद नहीं, जगन्नाथ जी को भगवान किसी को भोग नहीं लगता है, किसी को ये चीज भोग नहीं लगती है, ये तामस की भोजन है। आप लोग कभी एयरपोर्ट में गए हो? एयरपोर्ट में कौन कौन गए? टर्मिनल नंबर 3 देख लेना, वहाँ बहुत कुछ नियम लिखा हुआ, 6वां नंबर नियम पढ़ना। कहते जो पायलट है
उसको मना की जाती है 10-12 घंटा पहले प्लेन चलाने के पहले कि प्याज लहसुन खाने के लिए वर्जित किया चौपाई लग लो क्यों बोले प्याज लहसुन खाने से तो किसी से पावर है दिमाग की कम हो जाता है। और जो प्लेन चलाते हैं उनको अगर कहीं आंधी तूफान छठ डिसीजन लेना पड़ता है इसलिए उसको मना की जाती है। किसी देश में भी पायलट को मना की जाती है प्याज लहसुन प्लेन चलाने से पहले 10-12 घंटा पहले प्याज लहसुन नहीं खाना। इसलिए तामस की वस्तु है ठाकुर को भोग नहीं लगता है और रोज घर में ठाकुर को भोग लगा क्या करो जोर से बोला ठाकुर को जरूर भोग लगानी चाहिए। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन प्रसाद सर्व दुखानां महारस सुख हो जाएंगे मेरे को जो भोग ला कर खाते हैं कृष्ण कहते हैं उसके घर में कभी दुख कष्ट नहीं आए। भगवान खुद कहते हैं सर्व दुखानां घर का सारे दुख कष्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन जो भगवान की भोग नहीं लगाएगा कृष्ण कहते हैं भुंजन्ते तु अघं पापा वो केवल पाप भोजन करते हैं क्योंकि मेरे को भोग नहीं लगाया। आप लोगों ने सुदामा का नाम सुना कौन कौन जानते हैं सुदामा का नाम सब जानते हो टीवी में देखे हो कि सुदामा पहले गरीबी क्यों बना ये बाद में धनी क्यों बना। अब देखे होंगे जब कृष्ण सुदामा जंगल में जा रहे थे गुरु माता ने सुदामा जी को चाना दिया था बोले कृष्ण को देख रहे खा था। अब देखे होंगे छुप छुप करके पेड़ के ऊपर बैठ बैठ के खा रहे भगवान बोले इसका दंड तक भोगना पड़ेगा इतने गरीब होता इतने गरीब उसने भोगा धनी का बना। जब फिर ठाकुर को दर्शन के लिए गए दो मुट्ठी चिड़वा लेकर गया ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए दो मुट्ठी खाए जब तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे लक्ष्मी हाथ पकड़ कर नहीं अपने दो मुट्ठी खा लिया मतलब उसकी घर में सारे राज ऐश्वर्य पहुंच गया। अगर तीसरी मुट्ठी खाओगे मैं जो लक्ष्मी हूँ भैया तुम हाथ लगा दो रखो हाथ लगना खिला तुम्हारे इसलिए अगर तुम तीसरे मुट्ठी खाओगे ना मैं जो लक्ष्मी हूँ घर में दासी बन जाऊँ। अब देखे होंगे जब सुदामा घर में आया सोने के महल देखा पत्नी राज रानी बन करके बैठी हुई और सुदामा को आरती उतारने के लिए आ रही थी सुदामा पीछे हट रही थी राजकुमारी मेरे तरफ में क्यों आ रहा है। इतने में सुदामा बोले तू कौन हो बोले मैं आपका तो वही सुशीला हूँ बोले ही क्या है बोले ठाकुर जी के लिए दो मुट्ठी चिड़वा लेकर गए ना ठाकुर ने दो मुट्ठी खाए तो त्रिभुवन का राज्य दे दिया ठाकुर जी। मतलब क्या है अगर घर में ठाकुर को भोग लगा के खाओगे ना घर में लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आएगी बोले लक्ष्मी क्यों आएगी ये चीज को समझ लो पैसा को कहते हैं लक्ष्मी। आप बताओ लक्ष्मी हमारी ना लक्ष्मी नारायण की है नारायण की जब वो चीज ठाकुर को सेवा में लगती है लक्ष्मी लक्ष्मी प्रसन्न होती बेटा तो मेरे को मेरे प्रभु का सेवा में लगा तो फल के बोलते रहो। फिर अगर लक्ष्मी छुपा छुपा करके घर में पैसा दे जाएगी क्यों तो मेरी प्रभु को सेवा कर रहे हो। अगर लक्ष्मी अगर ठाकुर को सेवा में नहीं लग रहा है जो कुछ खाना बनती है जो कुछ खर्ची करते पैसा से अगर वो चीज ठाकुर को सेवा में नहीं लगेगा लक्ष्मी फिर दुखी रहती है बोले तुम मेरे को भोग करना चाह रहे हो। फिर दरिद्रता घर में लाती है दरिद्रता नहीं लाएगी तो पैसा भी लाएगी लेकिन एक पैसा घर में पर सुख शांति तुमको नहीं देगी भले ही अरब खरब रुपया आ जाए ना घर में शांति सुख नहीं रहेगी क्यों लक्ष्मी को तुम भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हो लक्ष्मी नाराज तुम्हें घर ठीक है ना क्या करना बोलो घर में जो कुछ खाओ जरूर ठाकुर जी को भोग लगाओ कितना चीज गांठ बांध कर ले जाओ। लेकिन आप लोग बोलोगे हम तो भोग लगाते हैं बोले कैसे बोले अपना लिए प्याज लहसुन का बनाते हैं ठाकुर जी के लिए अलग बनाते हैं नहीं ऐसे नहीं होनी चाहिए। देखो हमारे गुरु जी कहते थे मानो आपका घर में एक नौकर है वो नौकर क्या करता है वो बढ़िया बढ़िया बना बना कर खाता है लेकिन मालिक को जैसे तैसे बना करके मालिक को सामने रख लेता लेकिन खुद बढ़िया बढ़िया बना कर खाता है। अगर ये चीजें मालिक को पता चलेगा तो बताओ मालिक क्या करेगा बोला अब लोग बोलो बताओ क्या करेगा मालिक घर से धक्का देकर निकाल देगा तेरे को बोले घर मेरा सब कुछ दिया हुआ मेरा है और मेरे को जैसे तैसे खिला दे तो बैठी बैठी करके अरे प्याज लहसुन दाल धुल कर शाही पनीर मटर पनीर खा रही हो और मेरे को सामने ब्याता से रख दिया और ग्लास इलायची दाना रख दिया तुमने ठाकुर को ठग नहीं सकते ठाकुर जी को वो सब बैठी बैठी कर देख रहे हैं ठीक है क्या करना प्याज लहसुन को त्याग दो
एक तरफ में ठाकुर, एक तरफ में प्याज लहसुन। चुन लो प्याज लहसुन चाहिए तो ठाकुर हमें नहीं चाहिए, ठाकुर चाहिए तो हमें प्याज लहसुन नहीं चाहिए। ठीक है, इतने से चीज को छोड़ करके क्या करना, भगवान को भोग ला कर घर पे खाओ, घर पे शांति से भूख बैठी रहेगी। और कहते ना जैसे खाओ के बाद ना वैसे बनेगा। मैं आप लोग बोलोगे नहीं बगैर प्याज लहसुन के स्वाद नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा? आते को एक चीज समझो, रोज घर में प्याज लहसुन बनता है। एक दिन कोई तिथि तिवार आ जाए, घर में प्याज लहसुन नहीं बनता है, उस दिन ठाकुर जी के लिए बनता है। देख लेना उस दिन खाने में अलग स्वाद आती कि नहीं? अरे बोलो अलग स्वाद आती कि नहीं? आती है ना, क्यों? ठाकुर जी के लिए बनता है। भोग लग गया ना, माता जी सही कह रही है। यहाँ पर रोज में नीचे प्रसाद बन रहा है, बताओ स्वाद आ रही है किसका, किसका स्वाद आ रही है? तब फिर तुम घर में बनाओगे ठाकुर जी के भोग लग गया, स्वाद आएगा कि नहीं आएगा ना? इतने तक भागवत कथा सुनने आए हो, कम से कम कुछ यहाँ से लेकर के जरूर जाओ। ठीक है, हाँ देखो आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। ये स्टोरी को सुनाने के बाद मैं फिर पूछूंगा मैंने क्या स्टोरी सुना है, जो बोल देगा ना मैं इसको इनाम दूंगा, और जो बोल नहीं पाएगा मेरे बीच में से खड़ कर दूंगा। इसलिए ऐसे ये स्टोरी को सुना जैसे सुनने के बाद मेरे को दोबारा आप सुना सकते हो। ये इतने महत्वपूर्ण स्टोरी है, इसी कथा से मैंने इतने लोगों को भगवान की भक्ति मिला है जो सोच नहीं सकता। अभी याद करना, अभी घर में जाकर सुनाना, ठीक है? ध्यान देकर सुना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक समय कोई एक राजा था, वो तो राजा के चार रानियां थी। कितना रानियां थी? जोर से बोलो। जो सबसे जो बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश रखता था। बोलता था गोल गप्पे खाना चाहते बोले चलो खिलाए, बोले टिकिया खाना चाहते बोले चलो टिकिया खिलाए, बोले दही बड़ा बोल ना बोले अम्मू में जाकर वहां बहुत बढ़िया पराठा मिलता बोलो वहां पर, बोले ऐसे साड़ी पहनना चाहती बोले चलो तेरे को साड़ी पहना। और जिस समय में जिस चीज की मांग करती थी राजा उसी चीज को देकर उसको खुश रखते थे। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी वो देखने में बड़ा सुंदर थी, वो देखने में बड़ी, सब चाहते ना पत्नी हमारी बहुत अच्छी हो सुंदरी हो, इसलिए राजा क्या करता था वो रानी को सुंदर रूप में श्रृंगार कर देता था और रात में बैठा लेता था और दुनिया को दिखाया करता था मेरी रानी देखो कितने सुंदर है। राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी वो बड़ी मीठी मीठी बोली बोली, बड़ा मीठा मीठा बोली। हर व्यक्ति चाहते ना घर में जब काम करके आऊं पत्नी इतना मीठा मीठा बोली बोले जैसे मन को शांति मिले, ऐसे नहीं घर में आते ही इसमें पटका पट रही पटका फूट रही नहीं माता है। इसलिए पति घर में आने पर कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, बेचारा दिन भर काम करते करते आया, उनको इतने अच्छे व्यवहार करो जैसे पति मन को शांति मिले हैं, मन को ऐसे आते नहीं पटका फूटना शुरू कर दो, ठीक है ना? इसलिए बड़ा मीठा मीठा बोली बोलती थी, राजा उसको पास में बैठ करके उसका मीठा मीठा बोली सुनता था, मन की बात उसको बोलता था। राजा की जो चौथी नंबर की रानी थी है तो बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी, लेकिन जब से उसको घर में शादी करके लाए ना उसको साथ में मैंने कोई संबंध नहीं रखा, कभी पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन क्रीम है तुम्हारे पास में तेल, कभी राजा उसको पूछता नहीं था, इसलिए बेचारी बड़ी दुखी रहती थी। शादी करके लाया लेकिन कोई पूछता नहीं। अभी राजा का अंतिम समय आया, मरने का समय आया, सोचा मेरा चार चार रानियां हैं इनसे मैं प्रश्न करके पूछता हूँ कौन कहाँ तक जाए। तब उन्होंने सबसे बड़ी रानी से पूछा, आप बताओ तो सबसे बड़ी रानी कौन थी? अरे इतना जल्दी भूल के पता कैसे सुनाओगे कौन थी बड़ी रानी सबसे? हाँ इसलिए राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसकी मन पसंद चीज को देख देकर खुश रखता था, राजी राजा रानी से पूछे रानी तू मेरे साथ में चलोगी? मेरी अंतिम समय आ गया। रानी बोले तेरे साथ में मैं एक कदम भी नहीं चलूंगी। बोले क्यों? तेरे लिए मैंने इतना किया जो मांगती थी वही करता था, बोले तेरा कर्तव्य था, बोले तेरी बोले मेरी कोई कर्तव्य तेरी प्रति नहीं। सुनते ही तो राजा बड़े दुखी हो गए, बोले जिसको ज्यादा प्रेम करता था वही धोखा दी,
अच्छा दूसरे से पूछ, दूसरे कौन थी? बोलो जोर से, पीछे के बैठे जो सबसे सुंदर थी। राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता था, रानी कितने सुंदर। राजा ने पूछा, रानी तू साथ में चलोगी? बोले चलूंगी क्या, मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। मैं दूसरे से शादी के लिए तैयारी कर रहे थे, तुम तो मैं कितने सुंदर ही, पहले ही तू दुनिया को मैंने दिखा कर रखा, इसलिए जिसको पास में जाऊंगी वो मेरे पसंद कर लेगा। राजा का प्यार कभी जमीन ही घिसक गया, ये क्या बोलती है। सोचा तीसरा नंबर से पूछू, तीसरा कौन थी? हाँ अभी आप लोग ध्यान से सुन रहे, जो मीठा मीठा बोली बोलती थी, राजा सुनकर खुश होता था, हैं? इसलिए तीसरे नंबर से पूछा, तू साथ में चलोगी? लेकिन वो थोड़ी सी अच्छी निकली, बोले मैं चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। बोले दरवाजा तक कोई चलना चलना है? बोले अगर तू ज्यादा बोलोगे ना दरवाजा से तो 3-4 कदम आगे बढ़ सकती है, लेकिन तेरे साथ में मैं नहीं चल सकती। राजा बोले भैया तू भी किसी काम में नहीं देगा। अभी चौथी नंबर आई, चौथी नंबर कौन थी? राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर रखा था, बेकार किसी काम की नहीं, साड़ी साबुन तेल कभी नहीं पूछता था। राजा सोच रहा है इसको पूछू कि नहीं पूछू, क्यों? आप जिसके लिए करोगे उसके लिए पूछोगे, जो करोगे ना उसको क्या पूछोगे। राजा सोचा जब रानी एक बार पूछ कर देख लेता हूँ। बोले रानी तो मेरे साथ में चलोगी? सुनते ही तो भड़क उठी, बोले तेरे को शर्म नहीं लग रहा? तू जब से शादी करके लाए हो कभी मेरे को पूछे तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं? कभी तो पूछा नहीं, और मरते समय तो साथ में चलो चलो। चौथी रानी कहती, देख राजा तुमने देख लिया दुनिया को, देख लिया कि नहीं दुनिया को, जिन जिन को प्रेम कर रहे थे कोई साथ में गया? बोले कोई नहीं। बोले देख मैं तेरे को दिल से बहुत प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुख में सुखी दुख में दुखी रहूंगी, बिना खाए पिए तेरे को मैं खाना खिलाऊंगी। राजा तो खुश हो गया, ताली बजा सब, राजा खुश हो गया। बोले जिनके लिए किया कोई जाने के लिए तैयार नहीं, जिनके लिए कुछ भी नहीं किया वही जाने के लिए तैयार हैं। राजा खुश तो हो गया। देखो अभी ये जो राजा और कोई नहीं, इसका मतलब को समझो, राजा और कोई नहीं, हम ही वही राजा। हमारी भी चार चार पत्नियां हैं, रानियां हैं। इसको ध्यान देकर सुनो, इसका मतलब अगर समझ गए ना, समझो मैं जो 7 दिन का कथा सुनाया मैं समझूंगा मेरी कथा सुनाना सार्थकता हो गया। अगर ये चीज को अगर समझ करके इसकी शिक्षा को अगर अपना जीवन में उतार दिया, सबसे बड़ी रानी मतलब है अभी जीवन में जिसको सबसे ज्यादा हम प्रेम कर रहे हैं, वो जिस चीज की मांग करती है, हमारी चोरी गुंडागिरी जो कुछ क्यों करना नहीं पड़े उसकी इच्छा को हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन अंतिम समय जब आएगा वो एक कदम भी हमारे साथ में चलने वाले नहीं। क्योंकि वो कौन है जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, जिसकी हर मांग को पूरी कर रहे हैं, बता तो कौन बोले? कौन बोलेगा? जोर से पीछे जो बैठे जो जो सुने तो बोल दोगे, जो नहीं सुने बोल। हाँ देखो कहते पहला नंबर, स्त्री अपना शरीर अपने आप है, इसको सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। ये शरीर जिस चीज की मांग करे, बोले गोलगप्पे खा ले, खाने चाहो तो चलो खिला दें, चवनप्राश खाओगे चलो खिला दें, पराठा खाओगे। अब देखना शरीर जिस समय में हम जो चीजें मांग करती है उसी समय में ही उसकी इच्छा को हम पूरी करते हैं। अंतिम समय आया, पूछे शरीर को साथ में चलोगी? कहते जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। शरीर से जब परमात्मा चले जाए, जिस शरीर को हम इतने प्यार प्रेम करते हैं, ये शरीर जहाँ के तहाँ रह जाएगी, जला करके राख बना ये गई। दूसरी नंबर आई, जो राजा सबसे जिसको सबसे ज्यादा सुंदर थी, राजा जिसको दुनिया को दिखाया करते थे, कहते भैया जो कहती हैं मैं तो देख रहा हूँ तो मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूँ। कहते भैया ये कौन है सबसे सुंदर? कितना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया ये सबसे सुंदर। क्यों? पैसा रहेगा, बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, हैं बढ़िया घर बनाएंगे, बल्कि शमशान में जाएंगे तो बढ़िया गाड़ी में जाएंगे। देखो हमारे पास में कितने बढ़िया गाड़ी दुनिया को दिखाएगी। और लेकिन उससे पूछा साथ में चलोगी? बोले चलोगी क्या, मैं देख रहा हूँ तो मरोगी, मैं दूसरे से शादी करूँगी। मतलब क्या है,
आज हमारे पास में पैसा है, हैं? बच्चों का नजर कहाँ रहता है बताओ? पिता की कितने प्रॉपर्टी, कितने दुकान, कितने मकान, एटीएम कार्ड में कहाँ पैसा है? जा सैलरी छूटते ही सारे पैसा दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। देखो हम अपना गांव में देखा है, अपना गांव में देखा, हमारे गांव का जो सबसे ज्यादा पैसा वाला था उसका तीन बेटे थे। जब ये व्यक्ति ने सैलरी छोड़ा, एक भाई को हिसाब में कम पड़ा था, उसने डंडा लेकर कहा गया, बोले खबरदार कोई पिताजी की हाथ लगाएगा तो सर फोड़ दूंगा। पहले पिताजी का सारे काम कॉपी निकालो, कहाँ कितने पैसा पहले बंटवारा हो जाए उसको बाद में पिताजी की सैलरी में हाथ लगाओ, मेरे को कम। पहले सारे हिसाब किताब हुई उसको बाद में फिर सैलरी को लेकर दे, उसको बाद में। देखो अगर किसी व्यक्ति को बोलो थोड़ा भगवान की भजन करो, हरिनाम करो, बोले समय कहाँ हमारे पास है? बोले क्यों? बोले बच्चे के लिए थोड़ा पैसा कमा कर भी जाना है ना, बच्चे के लिए। हमारे बड़े गुरु जी कहते थे बच्चे के लिए ज्यादा पैसा मत कमा करके रखो, वो गो ना हरोगा तो कमा ही लेगा, अगर नालायक ही बनेगा ना। जितने पैसा तू कमा करके जा रहे हो, जुआ खेल करके, शराब पी कर, किसकी बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं देख लो, जिसकी पिता जितने ज्यादा पैसा रख कर गया वही बच्चा ही ज्यादा बिगड़ता हुआ ही बच्चा देखना है। इसलिए गुरु जी कहते थे समय हो तो प्रभु का नाम जप करो, जो धन तुम्हारे साथ में जाएगा, जो धन तुम्हारी साथ में जाएगा इसी जीवन में भी अगली जीवन में तुम्हारे साथ में जाएगी, हैं? इसलिए बस पैसा गई। तीसरी नंबर आई, तीसरी नंबर कौन थी जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, नंद की बात बोलता था, ये कौन है? पहला नंबर आई पत्नी की, हैं? पत्नी की, परिवार में पत्नी की, पत्नी से पूछे साथ में चलोगी? बोले हाँ चलूंगी, दरवाजा तक चलूंगी। बोले आगे? बोले ज्यादा बोलोगे ना, चार कदम तक आगे बढ़ा सकते हो, नहीं जाओगे? अभी तो दरवाजा तक भी कोई नहीं जाए, हैं? अभी तो दरवाजा तक भी अभी कोई जाने के लिए तैयारी नहीं होते हैं। फिर गई परिवार वालों से पूछे चलोगे? बोले क्यों नहीं, तेरे लिए आते से जाएंगे, राम नाम करते करते ले जाएंगे। बोले कहाँ तक? बोले शमशान। बोले क्या करोगे? बोले वहीं पर खोपड़ी में घी भर करके, हाँ खोपड़ी फाड़ करके, फोड़ करके, जला करके, ताटा करते करते घर में वापस आ जाऊंगी, आगे बल नहीं चल सकता, ये गए कभी गए। अभी ध्यान देकर समझो काम की बात है। राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर रखा, ये बेकार किसी काम की नहीं है, नेग्लेक्ट करके रखा था, लेकिन जब उसको ही पूछा है ना वही साथ में जाने के लिए तैयार है। आप बताओ जीवन में किसको सबसे ज्यादा निगलेट करके बेकार मान कर रखे? भगवान की भक्ति को, भजन को। कोई बोले थोड़ा भगवान का नाम जप करना, बोले समय कहाँ? भजने के लिए समय कहाँ हमारे पास? नहीं, लेकिन टीवी देखने के लिए समय, स्मार्टफोन चलाने के लिए समय, गप्पे मारने के लिए समय, लेकिन जब प्रभु की भजन की बात बताओ ना, ये सब बेकार काम है। जिसको पास में कोई काम धाम नहीं ना, उसको बैठ के हरे कृष्ण करते हैं। लेकिन अंतिम समय में हम तो हिंदू है, देख लेना जब शरीर छूट जाती है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, आप लोग सुने हो क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब परिवार छोटा है। किसको सुनाते? जो ऊपर लेटा है। बोले देख बेटा जीवन में जितने तुमने राम का कृष्ण का नाम लिया, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जीवन में जो कुछ किया है एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ नहीं जा रही है। पत्नी रो रो कर दरवाजे तक जाएगी, परिवार शमशान तक जाएंगे, सब वापस आ जाएंगे, साथ में क्या चलेगी? इसलिए मीरा कहती है बोले पायो जी मैंने राम का
आप सब जानते हो, आप सब जानते हो ये मीरा की भजन है। मीरा भैया इधर बड़ा बड़ा, इसलिए मीरा कहती है पाए जी मैंने राम रतन धन पायो, बोलिए धन मिली कहाँ से, बोले वस्तु अमोल बदी मरे सदव्यु कृपा करे अपना पाए जी मैंने राम। कभी धन कैसे है, बोले चोर नहीं लवे लुटे नहीं जावे दीन दीन बढ़त सवाए। ये ऐसे का धन है, चोर चोरी करके नहीं ले सकता है, लुटने वाले फूटने वाले नहीं, दिन दिन को बढ़ती रहती है, ये धन कभी घटती नहीं। आप लोग ने चैतन्य महाप्रभु का नाम जानते हो, कौन कौन महाप्रभु का नाम सुने हो, बोले एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु तो अच्छी शिक्षा दी, भक्त लोग ने निमंत्रण दे रहे थे प्रभु हमारे घर में भोजन, भगवान बोले सबके घर भोजन नहीं करता, बोले किसको घर में करते, बोले जो लखपति बनेगा। आज से 5.5 साल पहले लखपति मतलब जिसको पास में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं, अब लाख की बात करते हो, दुखी हो गए, बोले कि हमारे घर में भजन नहीं करोगे, अरे भगवान सबको बैठाया समझाया, बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन, बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी भी नाम जप करते हैं, 1,00,000 ठाकुर का नाम जप करते हैं, इसलिए मीरा कहते हैं ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ बजरती राम नाम के हीरे पती मैं। जिन जिन ने यह मोती लूटे उसको माला माल हुई है, और माया के जो बने पुजारी आती हो तो देखो आप लोग मेरे तरफ से देखो लखपति कैसे बनाऊ। आप लोगों ने अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो, कौन कौन सुने हो अमिताभ बच्चन का नाम, सब जानते हो। कुछ दिन पहले टीवी में आता था कौन बनेगा करोड़पति, सुने कि नहीं कौन बनेगा, देखो यहाँ पर भगवान कहते कौन बनेगा लखपति, ध्यान देकर देखो आप सबको मैं एक एक माला देता। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरि गोविंद जय जय रामायण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय ठीक है। जिनकी इच्छा होगी हम माला जप करेंगे। कल देखो कल जो हमारी कल जो प्रोग्राम है, कल शाम को प्रोग्राम नहीं होगी, कल सवेरे 10 से लेकर के 12 बजे 1 बजे तक प्रोग्राम होगी, और कल जगन्नाथ की रथ यात्रा सब लोग आना, ठीक है। एक रंग की कपड़ा पहन कर जाना, कौन सा रंग की बताओ, पीला रंग, जगन्नाथ का जो वस्त्र पीला रंग, राधा रानी का रंग पीला रंग, ठीक है। और जो हमारे भाई लोग कोशिश करें ना, कल तो शनिवार है, कुर्ता पैजामा अगर धोती हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कम से कम सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहन कर जाना, और माताएं कौन सा रंग का साड़ी पहन कर जाओगे, अगर नहीं हो ना किसे धार कर भी लेना, नहीं कोई बात नहीं, कोशिश करना पीला रंग का हो तो बढ़िया, ठीक है। और देखो शास्त्र में बताया जो जगन्नाथ जी का एक बार रथ में दर्शन कर लेता है, पुराण में श्लोक है, बोले रथे वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न दिव्यते, एक बार जगन्नाथ जी कोई रथ में देखेगा ना उसको पुनर्जन्म नहीं होगा, कभी पुनर्जन्म नहीं होगा शास्त्र कहता है। और जो रथ खींच करके ले जाते हो, ध्यान देते सुनो, जो रथ खींच करके ले जाते हो वो रथ क्या है, वो रथ नहीं, वो राधा जी के हृदय है, राधा रानी अपना हृदय रूपी रथ में कृष्ण को बैठा करके वृंदावन ले जा रहे हैं, इसलिए रथ नहीं राधा जी के हृदय है। और रथ खींचने वाले कौन, गोपियां हैं, कहते अगर कोई एक व्यक्ति रथ जो खींचता है ना रथ में हाथ लगा दे, रस्सी में हाथ लगा दे, शास्त्र कहता है उसकी इतने पुण्य है, रस्सी का में जो हाथ एक बार लगाएगा तो उसको जगत में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, जगत में कोई जन्म नहीं लेगा, कितने महिमा। मैं उड़ीसा का हूँ जगन्नाथ जी का, वहां पर जो रस्सी है ना, अब कभी भाग्य होगा बताकर उसका रस्सी की एक एक टुकड़ा रस्सी धागा निकाल कर ले जाते हैं, क्यों, जिस घर में वो धागा रहेगा किसी तरह का भूत पिशाच डाकी निशाकी वो घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। जिनकी कमर में दर्द घुटने में दर्द और धागा को बांध तो
सारी दर्द खत्म हो जाएगी, उसको भर करके हैं जो माधुरी बोलते हैं क्या बोलते हैं ताबीज में पहने तो उसको पर कोई भूत पिशाच का असर नहीं करेगा, मतलब उसकी रस्सी की इतनी शक्ति है। इसलिए हमारे उड़ीसा में उसको एक एक धागा को निकाल निकाल कर ले जाते हैं। इसलिए कल आप अकेले नहीं अपना परिवार को साथ में यहाँ पर कथा में आना, कि भी जो कल का जो कथा है, जो कल की कथा सुन लेगा ना उसको 7 दिन कथा सुनने का फल मिलेगा, लेकिन कल की कथा जो नहीं सुन पाएगा उसको 7 दिन कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई आधा आए, कोई बाद में आए, कोई लास्ट में आए, लेकिन कल कथा जो सुनेगा उसको 7.5 दिन कथा सुनने की फल मिल जाएगा। हाँ आप लोग देख लो, कल आप लोग जो आओगे सुबह 10 बजे आ जाना और 12 बजे हम कथा को विश्राम कर देंगे। जिनकी इच्छा होगी हम भी माला जप करेंगे, कल सबके सब एक एक माला ले जाना। देखो लखपति कैसे बन गए, देख लो जैसे ये माला है ना, एक बार हाथ उठा कर करो, बोलो हरे कृष्णा हरे उसको पार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राधा कृष्ण का स्वरूप उसको ऐसे घुमा लो, घुमा करके फिर दूसरे तरफ से करनी चाहिए। देखो 1 लाख कैसे होता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 बार हो गया, जब 2 बार में 32 है, अगर इसे 16 माला कर लिया तो 25,000 हो गया, अगर इसने 64 माला कर लिया ना उसको 1 लाख हो गया। भगवान कहते हैं 1 लाख माला नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1 लाख रुपये फिक्स डिपोजिट, भगवान खुद कहती बात, बोले ब्याज कितना मिलेगी, बोले दीन दीन भरत सवाए, आज अगर 1 लाख या कल तुमको 1.25 लाख मिलेगी और 4 दिन में 2 लाख, अरे यही धरती हमारे नाम पर डिपोजिट हो रही है, अंतिम समय में यही धन हमें मिलने वाले। जिसकी इच्छा होगी हम माला जब करना चाहते हैं, कल जब कथा में आओगे एक एक माला देना। देखो हम माला 2 तरह से देते हैं, जो संपूर्ण प्याज लहसुन छोड़ देते हैं ना तब तुलसी माला देते हैं, गले में भी पहनने के लिए तुलसी कली देते हैं, लेकिन जो बोलेगा हम धीरे धीरे छोड़ेंगे फिर हम उसको नीम माला देते हैं, बोले नीम माला आप लेकर प्रैक्टिस करते रहो, करते करते जब हम छोड़ देते हैं फिर हमको तुलसी माला देते हैं। इसलिए आप भी करना, घर में बच्चों को भी करवाना, जिस बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है आप उनको एक माला जब करो देखना अपने आप पढ़ा दो उसकी मन। ये हरे मतलब क्या है, हमारे जीवन का जितने दुख कष्ट को जो हरे, कृष्ण मतलब क्या है, देखना कभी कभी घर में सब कुछ शांति नहीं मिलती, कृष्ण नाम लेने पर मन को शांति मिलती है। राम मतलब क्या, बोले जीवन में जो आराम, जीवन में आराम दे, इसलिए भगवान के नाम से जीवन में सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए कल सबके सब आकर के एक एक माला लेगा, ठीक है, कौन लेगा बस हाथ उठा, हाँ यहाँ के भक्त लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अभी प्रभु जी अभी गिरिराज की पूजा करेंगे, कोई मत मत जाओ करके सब बैठे रहो, अभी 5 मिनट में कथा को विश्राम दे देंगे। और हमारे राउत बाबू कहाँ गए, राउत बाबू जी, हाँ देखो जो भागवत कथा हो रही है ये कथा में कोई तन से कोई मन से कोई धन से हर तरह से मदद किया है, उनको माइक दे दो, माइक आप बोल दो। यहाँ पर आज कुछ कुछ विशेष विशेष कुछ अतिथि लोग आए हैं, हम उनको स्वागत करना चाहते हैं। बाबा बोल जय जगन्नाथ हरि बोल। हमारे बीच में जो है विशेष सम्मानीय व्यक्ति हैं जो यहाँ कार्यक्रम में बहुत कार्य किया है, हमारे सहयोग किए हैं, तो उन्होंने है SP चमली जी जो BJP का SP चमली जी है, जिला मंत्री BJP और यहाँ का जो RW का वाइस प्रेसिडेंट है, यहाँ पर है, यहाँ चमली साहब को आमंत्रित रखा है, इनके लिए ताली बजाओ भैया, इनके लिए ताली बजाओ, क्योंकि कम से कम हमारा जो हिंदू जो संस्कृति को ये लोग रक्षा कर रहे हैं, हाँ हम तो ठाकुर को जगन्नाथ को प्रार्थना करके खूब फल तो बोलते रहे, और ऐसे हमारे सनातन धर्म को हिंदू धर्म को खूब आगे बढ़ा रहे हैं। इनके खाली जाओ, ठाकुर जी खूब सुख शांति दे, घर में खूब आनंद बन करो,
विशाल गौर मंडल अध्यक्ष बीजेपी। अनुराग वाजपेयी मंडल मंत्री बीजेपी। ठीक है, बहुत अच्छे तरह से काम करो, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। हाँ ठाकुर जी आप खूब आशीर्वाद मिलेगा निरंतर, आप लोग धर्म के नियुक्ति में अच्छे काम करते हैं। अच्छा विनोद पारिक, चलिए पिना जी है कि पिना जी शहीद भगत सिंह का ग्रुप का अध्यक्ष पिना जी है यहाँ पर। केसी राव जी प्रेसिडेंट बीटेक आरडब्ल्यूए। आज का जो प्रसाद किए है उनका नाम है अशोक दास। अशोक दास जो यहाँ पर है मंच पे आइए। अशोक दास जी है यहाँ पर। कौन है अशोक दास जी है यहाँ पर? कहाँ है अशोक दास जी है यहाँ पर? आज का जो प्रसाद की व्यवस्था किया इनका नाम पर भी आप लोग ताली बजा दो। अमर प्राणीग्राही, अमर प्राणीग्राही है यहाँ पर अमर प्राणीग्राही जी। अर्णव मुंशी, अर्णव मुंशी आरएन बेटी। अच्छा धर्मेंद्र शर्मा जनरल सेक्रेटरी आरडब्ल्यूए आवश्यकता हो जिनका नाम ले रहे हैं हम लोग सामने आए। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। आ जाओ जल्दी आओ, जिनका नाम लिया जल्दी आ जाओ। इनके लिए जोरदार ताली हो जाओ। आरएन बेटी अर्णव मुंशी जल्दी जल्दी आ जाओ। नरेश अग्रवाल राधेश्याम ग्रुप आ जाओ। बस गिरिराज महाराज की जय हो। ब्रजवासियों ने जब गिरिराज की पूजा की गिरिराज से जो कुछ मांगो गिरिराज की समस्त इच्छा को पूरी कर देते हैं। जो व्यक्ति गिरिराज की अनिल शर्मा का नाम लेकर गिरिराज जी जो परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी उनको पीछे पीछे ठाकुर जी घूमते रहते हैं इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा कर रहे हैं। इसलिए जब ब्रजवासियों ने गिरिराज की सेवा की गिरिराज हाथ पसार पसार कर सब कुछ उठाए और गिरिराज आशीर्वाद गिरिराज आशीर्वाद दिए। आज का गिरिराज के अन्नकूट में जो एक अन्न का दाना राहुल वर्मा का पुत्र है विशेष राहुल वर्मा अक्षत भी नहीं देखो। इसलिए जो एक अन्न का दाना भोग लगाया किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र के अभाव नहीं होगी। नरेश अग्रवाल ये गिरिराज कैसियो वाला कहाँ गया? अरे कैसियो वाले भैया जल्दी आओ। देखो कल कृष्ण रुक्मिणी की शादी होगी अब जो कल है ना सज करके जैसे शादी में जाते हो ऐसे बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लेकर ठीक है। कल जगन्नाथ जी की शादी है और जगन्नाथ जी की शादी में अगर कोई अच्छे साड़ी पहन सकते हो बढ़िया
पति ने भगवान की अंगूर कट गई तो साड़ी बैंडेज कर दी, भरी सभा में जगन्नाथ जी सारे साड़ी दिए, इसलिए जो जगन्नाथ जी को साड़ी कर रहे हैं
Thank you.
नमस्ते।